जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातहू बहुत-बहुत शुक्रिया जी आज मुझे आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है तो इंशाल्लाह बात करते हैं आगे जी जी सो so, कुछ काफी बातें थी आपने देखा है पिछले दिनों में ये खलीफा व सलाम का टॉपिक था हाथमत नबूवत का टॉपिक रहता है मेरी भी बहस हो रही थी किसी किसी दोस्त के साथ ये उसका नाम है ट्विटर के ऊपर इस्लाम विंस काफी मेरे साथ बहस कर रहा था कि ये जो कुरान की आयत है हाथ में नबूत के मतलब मैंने इसको काफ़ी इसको समझाने की कोशिश की कि जो पूरी सूरा है उसको नज़र में रखें और मौजू देखें क्या मौजू था और फिर देखें मगर हर तरीके से कोशिश की है इन लोगों को समझाने की हाथ में नबूत की मगर फिर भी ये उधर ही अड़े हुए हैं कि कि उसका माना जो है वो आहरी ही है हदीसें भी दिखाई हदीसें भी दिखाई हैं कुरान में से कुरान में भी से दिखाया है हमने तो आपका क्या आपने अभी काफी काम किया है हाथ में नबोध के ऊपर आप बता सकते हैं कि कैसे ये हाथ में नबोद से भागते हैं जब इनको हाथ में नबोद पर लेकर भी आते हैं फिर भी अरुद से भागते कैसे हैं जी बहुत शुक्रिया आपने बड़ा अच्छा नुकता उठाया है कि इनको हर तरह से समझाने की कोशिश की जाती है लेकिन ये एक बात पर अड़े रहते हैं इस सिलसिले में ये जो आपने आखिरी वाली बात की है ना इसको मैं थोड़ा वाजे करना चाहता हूँ पहले तो मैं ये थोड़ा रोशनी इस बात पर डालना चाहता हूँ खत्म नबूत पर बात करने की अहमियत क्या है वो ये है कि आप हमारे जैसा कि हमारी अक्सरियत जो है वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है और वहाँ आपको पता है बड़े सख्त इन्होंने कवानी भी बनाए हुए हैं जो पाकिस्तान के आइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं और उस वहां पाबंदी लगाई हुई है हमारे लिटरेचर के ऊपर अवाम में जो अवामी नफरत ये पैदा करते हैं या झूठ बोलकर धोखा देकर आवाम में हमारे खिलाफ झूठ फैलाते हैं और वहां भी जो प्रापेगंडा के लिए लफज इस्तेमाल किया जाता है वो है खतम बुअत यानी कि आप देखें कि कहीं भी हमारे खिलाफ प्रापेगंडा करना हो तो जैसे एक जहर की बोतल के ऊपर शहद का लेबल लगा कर बेचा जाता है ना ऐसे ही जमात अहमदिया खिलाफ झूठे और नफरत अंगेज जो प्रापेगंडा है उसके ऊपर ये खतम बुअत का लेबल लगाकर उसको बेचते हैं जहां आप देखें वो होगा खत्म कॉन्फ्रेंस अभी तो इन्होंने हर चीज का नाम खत्म रखना शुरू कर दिया बल्ले स्कूल खत्में फ्रूट चाट चौक दियाटमत चौंक रेलवे स्टेशन हर चीज में खत्म घुसाई जा रहे हैं बच्चों के नाम भी हो सकता है आइंदा खत्म रखना शुरू कर दें लेकिन चले वो तो एक बात है ये इस बात की अहमियत वाजे करने के लिए कि क्यों हमें इस मौजू पर लोगों को आगाही देनी चाहिए लोगों को मालूम देनी चाहिए वो उसकी वजह यह है कि ये चूंकि ये नाम इस्तेमाल करके जमात अहमदिया खिलाफ झूठा नफरत तंगेज और गुस्ताखी बदजुबानी और गालियों से बढ़ा हुआ प्रापे गंडा पाकिस्तान के अंदर बैठ कर करते हैं इसलिए इंतहाई अहम है कि दूसरे मौजूद के साथ जैसे सदाकत मसीह मऊद सलाम है या वफात मसीह हयात मसीह नजूल सलासम है खत्म नबूत को खास तौर पर टाड़गर करके इनसे सवाल किया जाए कि वो खत्म नबूत जिसका आप लोगों को बताते हैं कि अहमदी मुसलमान मुनकर हैं वो है क्या अब बाज दफा इनसे बात शुरू करें तो कहते हैं जी आप मुद्दई हैं आप बताएं कि खत्म नबूत क्या है तो मैं हैरान होता हूं कि हर वक्त आप हमारे खिलाफ के नाम पर झूठा मनफी और गालियों से भरा हुआ प्रापे करते हैं लेकिन जब हम आपसे पूछते हैं भाई ये यह खतम क्या है तो वो आप बता ही नहीं सकते कि खतमत है क्या उल्टा हमसे पूछते हैं जी आप बताए खत्म क्या है तो इनका हिसाब उस दुकानदार जैसा है जो एक नया फल ले आया किसी दूसरे मुल्क से आया नया फल था उसको नाम नहीं पता था वो आके उसने उसका नाम रट लिया आके वो बेचने लग गया तो थोड़ी कोई गाहक नहीं आया थोड़ी देर बाद एक गाहक आया तो उसको खुद ही नाम भूल गया हुआ था कि उसका नाम क्या है तो गाहक कहता है जी भाई आज ये नई चीज है क्या बेच रहे हो तो वो कहता है तुम बताओ भला ये क्या है तो ये हाल इनका है कि ये जिस चीज को बेचते हैं जिस चीज के नाम पे कारोबार करते हैं जिस चीज के नाम को इन्होंने रोज रोजी रोटी बनाया हुआ है और उसके नाम पर जमात अहमदी अखिला मुसलमानों के खिलाफ झूठा नफरत अंगेज परापे करते हैं जब हम उस पर इनको गुफ्तगु करने की दावत देते हैं तो ये उस पर गुफ्तगु कर ही नहीं सकते पहली बात तो यह है कि बुनियादी अकीदा ही इनको नहीं पता होता और इसमें इंतहाई अहम मालूमत हैं जो खास खत के मौजूद पर हम जरूरी है कि अवाम को बताए जाए मिसाल के तौर पर यह कहते हैं जी हमारी सारी उम्मत पता नहीं किस चीज का नाम उम्मत रखा हुआ है तो कहते हैं जी हमारी सारी उम्मत जो है वो खत्म को मानती है लेकिन सिर्फ अहमदी मुसलमान खत्म नबूत को नहीं मानते तो ये एक अजीबो गरीब दावा है अगर हकीकत की हम तहकीक करें हकीकत को जानने की कोशिश करें तो मशहूर फिरकों की मैं बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तादाद में है वैसे तो बेशुमार फिरके हैं देवबंदी वहाबी शिया और बरेलवी इन चारों की खत्म नबूत अलग अलग है मशहूर अगर बताऊं पाकिस्तान में जो भारी अक्सरियत है समझ लें सत्तर फीसद से ज्यादा जो लोग हैं वो बरेलवी फिरका से ताल्लुक रखते हैं उनके इमाम अहमद रजा बरेलवी साहब अपने फतावा में लिखते हैं कि जो कसम उन्होंने एक किताब बल्कि लिखी बुरा बहुत से दूसरे ऊल से भी फतवे हासिल किए उस वक्त के जो सुन्नी उलामा थे मशहूर देवबंदियों के खिलाफ और आम देवबंदी के खिलाफ नहीं देवबंदियों के जो पांच बड़े इमाम हैं चार बड़े इमाम कासम ननोतवी साहेब अशरफ अली थानवी साहेब रशीद गंगोही साहब और खलील बीठवी साहेब इनके खिलाफ कुफर का फतवा हासिल किया तीन के खिलाफ गुस्ताखी रसूल का कुफर के लिए कुफर का फतवा और कासम नोतवी साहब के लिए खत्म नबूत का मुनकर होने की वजह से खत्म कुफर का फतवा उन्होंने लगाया और ये ऐसी मालूम हैं जो ये अवाम के सामने कभी पेश नहीं करते ये छुपाते हैं हालांकि कुरने करीम में अल्लाह तला ने वाजे हुक्म दिया है कि जब तुम किसी बात का पता हो तुम्हें तो तुम उसको कभी ना छुपाओ ठीक है जी और यह छुपाते क्यों है क्योंकि ये अवाम को खतम के नाम पर गुमराह करके सिर्फ अहमदी मुसलमानों के खिलाफ उनके दिलों में नफरत पैदा करना चाहते हैं और इसमें देवबंदी पेश पेश है बाकी सारे इनके पीछे लगे हुए हैं सबसे ज्यादा जो प्रापेगंडा किया है वो देवबंदियों ने किया है उसकी भी एक खास वजह है वो बात लंबी हो जाएगी हम मौजू पर रहते हुए दूसरा ये देखें कि देवबंदियों की अगर हम किताबें पढ़ें उसमें वो बरेलवियों को खत्म नबूत का मुनकर कहते हैं वो यहां तक इल्जाम लगाते हैं कि अहमद रजा खां बरेलवी साहब के बारे में बरेलवियों का यह दावा है कि वो नबी थे क्यों वो कहते हैं नबियों नबी की दो बड़ी निशानियां हैं कि उसकी पैरवी करना जरूरी है और वो खता से पाक होता है वो कहते हैं अहमद रजा खां बरेलवी साहब के बारे में बरेलवियों के ये दोनों दावे मौजूद हैं इसलिए उनका दावा है कि यह नबी है दूसरा जो दियोबंदी है वो कहते हैं खतम नबूत कामिल ये है कि रसुल अक्रम सलाम को मरतबा के लिहाज से भी सबसे अफजल माना जाए और जमाना के लिहाज से आखिरी माना जाए तो वो कहते हैं कि ब्रेलवी उनको जमाना के लिहाज से आखिरी तो मानते हैं लेकिन मरतबा के लिहाज से सबसे अफजल नहीं मानते इसलिए वो खत्म नबूत के मुनकर हैं दो फिरके बड़े मैंने आपको बता दिए नंबर एक ए, ब्रेलवी नंबर दो देवबंदी अब शिया का हाल सुन लें शिया का अकीदा इमामत है शिया पर शिया से कभी भी बात हो उस पर अकीदा इमामत से इमामत पर बात करनी चाहिए और अकीदा इमामत यह है कि वो मानते हैं कि रसूल करीम के बाद नबी तो नहीं आ सकता लेकिन इमाम जरूर आ सकता है बल्कि आए हैं वो बारह इमामों को मानते हैं पाकिस्तान में जो शिया है वो असना असनाशरी है अरबी में असना असनाशरी बारह को कहते हैं तो वो इमाम के बारे में यह अकीदा रखते हैं कि हर इमाम सब नबियों और रसूलों से अफजल है सिवाय हजरत मोहम्मद सल्लाम के और वो मानते हैं कि हर वो खासियत जो एक नबी में मौजूद होती है वो इमाम के अंदर भी मौजूद होती है मसलन नबी के लिए जरूरी है कि नबी के साथ अल्लाह कलाम करे उसको वही करे वो कहते हैं इमाम को भी अल्लाह वही करके इल्मे गैप देता है दूसरा यह है कि वो खता से पाक हो कि उससे कभी गलती नहीं हो सकती वो कहते हैं ये नबियों से भी ज्यादा पाक होते हैं कि ये तरके उल्ला भी नहीं करते तीसरा ये है कि उनकी अतात लाज़मी होती है यह नबी की तीन शरायत है नबी की तारीफ करनी हो किसी से पूछे तो यह नबी की तारीफ है नबी वो है वो ऐसा इंसान मर्द बाल आकिल जिसके साथ अल्लाह कलाम करे यानी उसे वही करे नंबर दो वो वही के बारे में उसका कलाम खता से पाक हो नंबर दो उसकी पैरवी करना लाजमी हो ये नबूत की तारीफ है और ये तीनों बातें वो अपने इमामों में मानते हैं इस वजह से जो गैर शिया लोग हैं वो इनको बारह दफा खत्म नबूत का मुनकर मानते हैं क्योंकि ये नबी अक्रम सलाम के बाद बारह इमाम मानते हैं तो ये आप अंदाजा लगा लें इसी तरह दूसरे फिरके हैं उनको भी इस पर क्यास कर लें तफसील है के सारे फिरके एक दूसरे को खत्म मानते हैं दूसरा हर फिरके की दूसरे फिरके से खत्म नबूत की तारीफ मुख्तलिफ है लेकिन ये वो हकायक हैं जो ये ना तो वो लोग जो आलरेडी इन फिरकों में पैदा हुए और इसी गुमराही को वो आगे फैलाते हैं इसी धोखे झूठ को चूंकि उन्होंने अपने बड़ों से सुना है आगे इसी तरह लोगों को सुनाते हैं और उसके अलावा जो लोग जमात अहमदिया को किसी इंतजामी मसले से या अपनी किसी जाति जिंदगी में गलती की वजह से जमात को छोड़ते हैं या निकाल दिए जाते हैं वो भी उनके साथ बैठकर कभी इस मौजू पर बात नहीं करते कभी वो ये नहीं बताते कि भाई वो खत्म नबूत जिसके अहमदी मुसलमानों को मुनकर कहा जाता है वो क्या है और वो किस फिरके की खत्म नबूत किस तरह की है तो वो भी क्या करेंगे वो इंतजामी मामला को छेड़ लेंगे जी चंदा क्यों देते हैं तो ये आप हजरत मुसीह महोदि तो ने किताबें लिखी तो उसके पैसे क्यों लिए यानी कि वो कभी भी बुनियादी जो अकायद की बातें हैं जो जिस वजह से ये लोगों को कहते हैं कि हम इनको गैर मुस्लिम समझते हैं उस पर बात आपको करते हुए नजर नहीं आएंगे और उसकी यही वजह है कि उनको पता है जब हमने ये मसला छेड़ना है तो अहमदी मुसलमान जो है वो इतने सोए हुए तो नहीं उन्हें हमारे सारी बातों का पता है और वो भी तहकीक करते हैं उन्होंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है जब वो आवाम के सामने रखेंगे तो आम आवाम जो सोचती नहीं है जो आंखें बंद करके पीछे लगाई हुई है इन्होंने जिनको इन्होंने जिनको ये पट्टी पढ़ाई हुई है कि हम आपको बगैर दलील के काफिर मानते हैं बिल्कुल कुरान के उल्ट इनको तालीम दी हुई है वो कुरान तो कहता है जो भी सच्चा है वो जरूर दलील रखता है कुरान फरमाता है जब भी तुम्हारे सामने कोई अपनी सच्चाई का दावा करे तो तुम उसे कहो कि लाओ तुम्हारी दलील कहां है तो ये कुरान सिखाता है तो इसीलिए तो फिर नबी अक्रम सल्लाम को कहते हैं जी हम आखिरी नबी मानते हैं मैं कहता हूं अमली तौर पर यह नबी ही नहीं मानते नबी तो हम जिसको माने उसकी बात मानने से पता चलता है कि उसको नबी मानते हैं कि नहीं मानते जिस तरह अगर किसी को कोई वालद मानता है या किसी का कोई वालद है तो अगर उसकी इज्जत नहीं करता वो बंदा कहता है ये मुझे पानी का गिलास पकड़ा दो आप नहीं पकड़ाते तो आप तो आप उसको बाप भी नहीं मानते इसी तरह नबी को नबी मानने का मतलब ही ये है कि आपने उसकी बात माननी है तो रसुल करीम सलम तो कुरान लेकर आए हैं दुनिया में और कुरान के अंदर जो आकाम लिखे हुए हैं जब ये वो ही नहीं मानते अल्लाह की ये नहीं मानते तो हमारी कहां मानेंगे तो ये खसर सा एक तारुफ था कि क्यों खतम के मौजू पर खास प्रोग्राम करना जरूरी है जब मैं अपने चैनल पर प्रोग्राम करता था तो मैंने कुछ 40-50 प्रोग्राम सिर्फ खतम लाइव नाजरा के नाम से किए हैं और उसमें बुनियादी वजह यही थी कि इनको पता चले अवाम को पता चले कि यह खतम क्या बला है जिसका इन्होंने इतना शोर डाला हुआ है पर डाका पड़ गया जी वो असम्बलियों में जाके दुनिया में बाकी सारे मसले हल हो गए हैं इसम्बलियों इस में बैठ कर ये लोग रोना रो रहे होते हैं कि खत्म पर डाका पड़ गया खत्म ना हो गई कोई करियाने की दुकान हो गई जिसपे डाका पड़ गया है तो ये सूरत हाल है तो ये मुखसर उन्होंने बता दिया है अगर बात आगे चलती है तो हम इसकी मजीद वजहत करेंगे तो आप कर रहे बात अब जी जी जजाकल्ला मीर साहब जजाकल्लाइन साहब ये डेमन भाई आए हैं बस ये सलाम करना चाह रहे थे आपको ये हम काफी ये जो एक्स एम डीज इनके साथ हम बहस करते रहते हैं इसके तो इसके तरफ भी चलते हैं अभी के एक्स जो मुर्तदीन हैं जो छोड़कर जाते हैं इनका क्या लेना देना हाथ में के साथ मतलब पहले डेमन भाई सलाम करना चाह रहे थे डेमन भाई असलम हाउन वालेकुम सलाम and nice to meet you brother <laughs> i can also speak a little bit english uh, if yeah. it is better to talk in english uh, there is no problem for a long time, time uh, i have not been speaking english because uh, i live in a german, uh, german speaking country uh, and my english is uh, germanized <laughs> uh, but no problem we can also talk a little in english too how are you i'm doing i'm doing fine i'm doing fine uh, i occasionally try to work on urdu myself uh for a little bit i was uh, studying the urdu of uh, a misconception removed and i was making <inaudible> a <inaudible> yeah <inaudible> and, uh, so so next we're going to talk about what what does the hatman Nabuat what, what what do the anti uh, ex amadis you know ak Sheikh, umar khan and dousre, tisre, these guys what do they have to do with hatman Nabuat? anything or there this is just a, a drama for them so uh, mind Roaster mir sahib is going to explain that some, bataenge, ke inka, kya hai, uh, inka, inka kya, you know lena dena hatman daka dala उल्टा डाका डाला हुआ के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया इस सिलसिले में ये जो हजरात जमात अहमदिया को छोड़ जाते हैं अगर इनकी तहकीक की जाए जो जैसा कि ये हमने अमली तौर पर बहुत दफा ये बहुत से लोगों की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि ये बाहर जब जमात अहमदिया से निकल जाते हैं या निकाले जाते हैं तो उनमें ननानवे या नौ फीसद बल्कि सौ फीसद भी मैं कहूं तो गलत नहीं होगा इंतजामी मामला से छोड़ते हैं अकायद की वजह से लेकिन बाहर जब ये चले जाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपना, अपना गुस्सा निकालना होता है जैसे दुश्मनी होती है या दिल में कुूरत होती है वो निकालनी होती है तो ये लोगों को कहते हैं जी पहले तो हमें पता ही नहीं था इनके किधे क्या है यानी कि यह चालीस चालीस साल के पचास पचास साल के हो जाते हैं हो जाते हैं ले, लेकिन इनको अकायद का ही नहीं पता था कि जमात अहमदिया का अकीदा क्या है इससे पता चलता है कि उनका जमात से बहुत ही कमजोर ताल्लुक था और उनके जो इंतजामी मामला में भी ना की वजह थी वो वो कमजोर ताल्लुक था जिसकी वजह से वो ना जमात से मुतलक थे ना हजरत मसीह मऊदलात वसलाम की किताबों का मुताल करते थे इसीलिए फिर जब इतना कमजोर ताल्लुक हो किसी चीज का तो उसको तोड़ना भी फिर बड़ा आसान होता है अगर ताल्लुक मजबूत हो किताबों का मुतााल किया हो खिलाफत से जिंदा ताल्लुक हो और कुरान का अच्छा मुताला हो दूसरों की कुतुब का मुताले हो उनके अकायद का मुताे हो जो हमारे दूसरे देवबंदी भाभीने वाले लोग हैं तो फिर इंसान इस तरह का फैसला आसानी से नहीं करता दूसरी बात यह है कि वहां जाके ये असल मामला छुपा जाते हैं बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं यहाँ एक ए, जो ए, आपके भाई भी जारी बात है उनमें शामिल है उनका बशीर शाह साहेब जो है लेकिन उनके अलावा जो मिसालें हैं वो बशीर शाह साहब को तो आप माशाल्लाह अच्छी तरह एक्सपोज करते रहते हैं कि असल में वो क्या है और लोगों के सामने जाके वो क्या बन जाते हैं ठीक है जी तो दूसरे हैं मिसाल के तौर पर एक है शगीर साहब कोई कनाडा से हैं चूंकि मेरी उन इलाकों तक एक्सेस नहीं है कोई ज्यादा मालूम मैं नहीं इकट्ठे कर सकता उनके बारे में लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पता चलता है सौ फीसद उससे साबित होता है कि ये लोग किसी गैर अखलाकी अः तरीक, हम उस, उनके तो एक्सपोज नहीं करेंगे क्योंकि जमात अगर चाहती है तो वो खुद उसको एक्सपोज करती, कर, कर, सकती है या उससे जिससे वो इफेक्ट हुए हैं लोग जो इनसे जिनके साथ इन्होंने ज्यादतियाँ जुलम किए हैं अगर वो खुद इनको एक्सपोज करना चाहे उनकी हक दुनिया तक पहुंचाना चाहे तो ये ए, उनका हक है लेकिन हम लोगों को ये कम अज कम जरूर बताते हैं कि इन्होंने ये सगीर जो ए के शीर या पता नहीं क्या इनका सगीर साहब है चौधरी सगीर साहब जो जयर सूल साहब के चैनल पे आते हैं या मुख्तलिफ चैनलों पे जाते हैं मुझे नाम लेने में कोई मसला नहीं कोई हम इनकी मशहूरी नहीं कर रहे हम चूंकि ये हमारा नाम लेकर झूठ बोलते हैं लोगों तक गुमराही पहुंचाते हैं हमारा फर्ज है कि हम इनका नाम लेकर आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ वो बात करें कि ये इनसे जो इनके मानने वाले हैं जो इनके चैनलों पर जाते हैं जाके सवाल करते हैं ये सवाल करें कि आज तक इन शगीर चौधरी साहेब ने ये क्यों नहीं बताया कि उनका जमात से अखराज क्यों हुआ था वो ये नहीं कह सकते कि मैंने जमात तहकी करके छोड़ी है क्योंकि वो तो रो रो कर अपनी वो नजमें सुनाते हैं वहां जनाब जमात ने मुझे निकाला है तो जमात बाकी जो अंदर बैठे हैं जमात के उनको क्यों नहीं निकाल रही आपको निकाला है कोई आपने इस तरह का चांद चढ़ाया होगा तो आपको निकाला है ना तो हम नहीं बताते हम ये नहीं कि आपके राज फाश करने शुरू कर दें लेकिन हम ये मुतालबा जरूर करते हैं कि कम अज कम इतने सचे हैं आप आके लोगों को हमारी किताबें पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं तो आप अपनी किताब तो लोगों को सुनाए ना आप ये तो बताएं कि आपने वो कौन सा जिमोशान काम किया है जिसकी वजह से आपको जमात से निकाला गया है ये एक मिसाल है उसके अलावा जितने भी हैं वहां जो जितने भी ये आप सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुपों में बैठ कर ये इंतजामी मामला के ऊपर या अखलाक या से गिरी हुई गिरे हुए इल्जाम लगाते हैं देखें यह अज़ल से दुश्मनों का तरीका रहा है कि जब वो अकायद में लाजवाब हो जाएं तो वो अगले के किरदार पर हमला करते हैं हजरत मरियम अलह सलाम जो हजरत ईसा सलाम की वालदा थी उनके किरदार पर हमला किया मुखालफों ने बिल्कुल किया फिर हजरत मोहम्मद सल्हुसम के किरदार पर आज तक लोग हमला करते हैं क्यों क्योंकि दलाइल के जरिए उनका मुकाबला नहीं कर सकते जो मुनाफिक थे वो रसुल करीम सलम के खिलाफ हर हर बाज मां बैठे वो नाकाम रहा फिर क्या किया उन्होंने नबी अक्रम सल वसलम की बीवी हजरत आयशा मोमनों की माँ रजी अल्लाह तहा के बारे में झूठा और गलीज और गंदा इल्जाम लगा दिया यही काम उनकी रूहानी नस्ल होने की वजह से ये जमात अहमदिया से जिनका अखराज होता है या, या छोड़ के जाते हैं सौ फीसद वही काम ये करते हैं आप खत्मेन की पूछ रहे हैं मुझे कोई एक प्रोग्राम दिखा दें जो इन्होंने पर किया हो इन्होंने खतम का अपना वो अकीदा बयान किया हो उसकी कोई एक दलील दी हो मुझे दिखा दें एक भी प्रोग्राम नहीं मैं भी कुछ इतना फजूल टाइम तो नहीं मेरे पास होता कि मैं इनके सारे प्रोग्राम देखूं लेकिन वो कहते हैं कि मुश्ते मुश्तेज करवा हम देग में से एक दाना चखते हैं इनकी एक वीडियो देख निकाल के देख लें दुनिया जहान की गुस्ताखी बदजुबानी गाली गलोच इसमें पाई जाएगी वैसे ये रोने रोते हैं जी फ्रांस में कार्टून छप गए वो जी वो फलाना बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात लिख दिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इशारातन भी गुस्ताखी करेगा वो वाजबुल कत्ल है उसको कत्ल कर दो यानी कि अपने लिए ये म्यार है लेकिन हजरत मसीह मऊद सलाम जिनको हम मसीह और महदी मानते हैं उम्मती नबी मानते हैं उनके बारे में इनकी जुबाने देख ले कि ये कोई गाली दुनिया की ऐसी नहीं जो उनको देते हैं क्रुपों के अंदर गंदी एडिट की हुई तस्वीरें ये उनकी लगाते हैं हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है मैं इनसे सवाल करता हूं और इनके मानने वालों से सवाल करता हूं सवाल हमारा उस बंदे से नहीं है जो आंखों पे पट्टी बांध कर इनके पीछे चलता है ये स्याह करें सफेद करें सवाल हमारा उन बाश और लोगों से है पढ़े लिखे और समझदार लोगों से है जो इनकी बातें भी सुनते हैं हमारी बातें भी सुनते हैं कि क्या इनका हक है कि हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी पर ये लोगों के सामने ये कह सके कि ये तुमने गलत काम किया है जबकि वही काम ये दूसरों के उन अकाबरी इनके बारे में कर रहे होते हैं जिन जो उनकी नजर में बड़े मोहतरम है अगर हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी से इनके दिलों को तकलीफ होती है तो ये जिस दूसरे बंदे की गुस्ताखी कर रहे हैं जिसको दूसरे मोहतरम मानते हैं क्या उनके दिलों को तकलीफ नहीं हो रही होती तो ये दोगले म्यार अल्लाह ने तो नहीं कहा कुरान में कहीं कि तुम्हारा म्यार दोगला होना चाहिए अल्लाह तुम तो कुरने करीम में फरमाया है कि अगर तुम लेते पूरा तोल के तो दो भी पूरा तोल के ये लेते हुए तो कहते हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इशारातन भी कोई गुस्ताखी करे तो हम उसको कत्ल कर देंगे तो जनाब वही असूल आपके लिए क्यों लागू नहीं होता ये दोगला और दोहरा म्यार आपने क्यों बनाया हुआ है कि लेने का पैमाना और है और देने का पैमाना और है जो आप कहते हैं वो करते नहीं दूसरों को करीम अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया है कि तुम क्यों वो बात करते हो जो तुम खुद नहीं करते फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम दूसरों को तो नसीहत करते हो ये कुरान करीम की आयात के तर्ज में पढ़ रहा हूं अगर किसी ने कहा कि जी इसका दिखाएं कुरान में कहा लिखा है मैं जिम्मेदार हूँ एक एक बात को कुरने करीम से जब मैं मनसूब करूं दिखाने का कुरान में है कि तुम जब दूसरों को नसीहत करते हो तो तुम उनसे वही तो करते हो लेकिन तब तुम अपने नफ्स को क्यों बोल जाते हो कि जब मैं कर रहा था अमल तो मैं तो इसके उल्ट अमल कर रहा था तो यही हाल इनका है कि ये सिर्फ अपना बुग्ज अंदर का जाहिर करने के लिए ये जमात से निकाले हुए लोग बैठे हुए हैं वहां और लोग जो ये चैनल चला रहे हैं मैं अहमदियों से दरख्वास्त करता हूं कभी भी कोई मजहबी चैनल जिस पर आप तबलीग करते हैं कभी भी उसको मोनेटाइज ना करें अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई रास्ता रिजक का जरूर देगा मेहरबानी फरमाएं और कभी भी उस चैनल को जिसपे आप मजहबी तबलीग करते हैं जवाब देते हैं किसी के हालात क्या है मैं नहीं जानता वो अल्लाह को जवाब दे है मेरा एक मशवरा है वो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है उसको मोनिटाइज ना करें ये करते हैं और देखें वो ज़ियार सोल मिसाल के तौर पर वो खुद बैठा होता है चुप करके उसको आगे चार बंदे मुफ्त के मिल गए हुए हैं वो जनाब बैठे हुए हैं वो अपना पंजाबी में कहते हैं साड़ निकालना के बुगज निकालना अपना वो अपना बुगज निकालने के लिए झूठ बोलते हैं बदजुबानी करते हैं गाली क्लोज करते हैं वो आराम से दो घंटे बैठा रहता है चुप करके बैठा है और अंदर अंदर खुद भी गालियां देता है तो उसको तो कारोबार उसका चला हुआ है उसको क्या जरूरत है जनाब कोई परेशान होने की तीन चार बंदे मुर्तादू हुए हैं वो हजरत मुसी मोहद्लाम को गालियां देने के लिए वहां बैठे हैं बस वो बैठे हुए हैं उसकी कमाई चल रही है उसकी एडे चल रही है तो ये है असल मामला ना तो ये कभी बुनियादी अकायद पर बात करते हुए कहीं आपको नजर आएंगे ना ही अच्छी जुबान में ये बात करते हुए नजर आएंगे पिछले दिनों में के चैनल पर गया ये लोग इतनी बातें करते हैं उसमें बाद में फिर आपका भाई भी आया उसी प्रो, उ, उ, उनके उसले पिछले प्रोग्राम में मेरा ख्याल वो आया था ताकि मैं इनको यह बताऊं कि अगर तुम्हारे चैनलों पर हम नहीं आते तो उसकी वजह यह नहीं है कि तुम्हारे किसी भी कोई भी ऐसा तुम्हारा एतराज है जिसका हमारे पास जवाब नहीं उसकी वजह तुम्हारी गंदी जुबान है जो तुम यहां हमारे काबरीन के खिलाफ इस्तेमाल करते हो और वही उसने किया मैंने उसके प्रोग्राम में जाके कहा जी कल आप हजरत मुसीह सलाम के बारे में कह रहे थे कि वो जी बदजुबानी करते हैं गालियां देते हैं माजला तो उसका मैं जवाब देना चाहता हूं तो उसने कहा जी आप सलाम तो ना कहें तो मैंने कहा मैं तो उनको सच्चा मानता हूं मैं तो कहूंगा तो उसने मेरा माइक म्यूट करके तो कोई दस मिनट मुझे हजरत मुसीम को गालियां निकालता रहा है ये इन लोगों के किरदार हैं वो कहते हैं कि बंदे का अमल बताता है कि उसके दिल में ईमान है या नहीं है मुनाफकों के अमल ऐसे थे कि अल्लाह ताला फरमाता था ये मुंह से कहें भी ना कि हमने तुम्हें माना है तो इनके दिल जो है वो तुम्हारी तकजीब करते हैं तो यही इनके अमल बताते हैं कि इनके दिलों में ईमान की रोशनी मौजूद नहीं है जिस तरह उसने हजरत मसीह मोहदाम तो को गालियां दी बने ही उस तरह क्रिश्चियन और हिंदू अपने ग्रुपों में बैठकर और जो देहरी हैं वो अपने चैनलों पर बैठकर नबी अक्रम सला को गालियां दे रहे होते हैं वहां जब ये खुद जाते हैं इनका कोई बंदा तो उनको कहता है भाई आप अच्छी जुबान इस्तेमाल करें तो इनको खुद भी ये अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए और दूसरों को मशवरा देने से पहले खुद उस पर अमल करना चाहिए इनको पता था कि जब मैं बात करूंगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं होना इसलिए बेहतरीन तरीका इनको सिखाया जाता है कि जब अहमदी मुसलमान से बात हो तुम्हें पता है तुमने लाजवाब होना है तुम हजरत वसी मिला तो को गालियां दिया करो तो फिर वो खुद ही छोड़ जाएगा तो तुम शोर कर दो लो जी हमने तो अहमदी को भगा दिया और नीचे जो लोग बैठे हैं वो गालियों के इतने आदि हो चुके हैं आपको पता है खाद हुसैन रिजवी साहब इनके ए, अपनी तरफ से बहुत बड़े आलम थे और उनको मुजद तक कहते थे वो सरे आम मस्जिद के मंबर के बैठ के गालियां देते थे ठीक है और और भी बड़े इनके जिनको ये उलमाय हक कहते हैं वो आम गालियां देना तो इनकी आदत है तो इसलिए जो सुनने वाले हैं उनको भी अजीब नहीं लगता यानी कि वो नबी अक्रम सलम ने फरमाया था कि जब कोई गलत काम करता है तो उसका दिल पे धब्बा लग जाता है वो मजीद करता है तो वो मजीद काला होता जाता है दिल तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल काला हो जाता है फिर उसको जब वो बुरा काम करता है तो वो बुराई भी बुराई नहीं लगती उसके दिल में खटकता भी कुछ नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब ईमान बिल्कुल दिल से रुखसत हो जाए तो वो तुम पहचान ना हो कि वो ऐसा हुआ है या नहीं तो ये देखो कि जब तुम बुरा काम करते हो तो क्या तुम्हारे दिल पे बोझ पड़ता है क्या तुम्हारे दिल में वो बात खटकती है अगर बुरा काम तुम्हारे दिल में खटकता ही नहीं और दिल पे बोझ नहीं पड़ता तो समझो बिल्कुल ईमान तुम्हारे दिल से फारिग हो चुका है तो यही हाल इनका हो चुका है बाकी ये कोई भी ऐसा ऐतराज नहीं करते जिसका इन लोगों की पैदाइश से भी पहले जमात अहमदिया जवाब नहीं दे चुकी ये मेरा दावा है कोई ऐसा ऐतराज नहीं करते जिसका इनकी पैदाश से भी पहले जमात अहमदिया जवाब नहीं दे चुकी चूंकि ये इतराज दोबारा करते हैं हम इनका जवाब भी दोबारा देंगे कुरान करीम में अल्लाह तला फरमाता है कि ए नबी तू परेशान ना हो मुखालिफ की तोहहीन और गुस्ताखी और बदबानी से क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा नहीं कहते जो तुमसे पहले अंबिया को भी ये नहीं कह चुके तो बात यह है कि वो कुरने करीम में अल्लाह तला फरमाता है कि इन मुनकरों के दिल आपस में मिलते हैं तो आप देख लें कि जिस तरह रसुल करीम सल वसलम के गुस्ताख थे और रसले करीम सल वसल्लम पर इतराज करते थे पिछले अंबिया पर इन्होंने गंद उछाला है और कुरने करीमल तला फरमाता है कि जब भी हम इनके पास कोई बंदा भेजते हैं इनकी इलाह के लिए तो ये क्या करते हैं ये उसका मजाक उड़ाते हैं अब देख लें वो वहां बैठ के वैसे ही मजाक उड़ा रहे होते हैं जैसे रसुल करीम सलम का यह उनसे पहले अंबिया का मजाक उड़ाया गया ऊंचे ऊंचे कहके लगाएंगे तो ये है इनका इनका ओवरऑल अमल जो उनमें बात वो करते हैं उस पर तो हम फिर इंशाल्लाह आगे वक्त मिलता है तो डिस्कस करते हैं तो उम्मीद है कि थोड़ी सी रोशनी मैंने उन पर डाली है आगे आप बात करें फिर देखते हैं जी खुरम भाई जी जी माइंड भाई ये इनको भी पता है कि कुछ तीन हजार लज़ामत थे रसुल्लाम के खिलाफ और अब तो इससे भी ज्यादा हैं ये जो पिछले सौ साल में जो आसाई हैं इनने तो इससे भी ज्यादा अतराजात बना लिए हैं रसुल्लम के खिलाफ और बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं और फिर ये बैठ कर एक तरफ कहते हैं कि नबियों के दफा करते हैं फिर दूसरी तरफ बैठ कर ये हर किसी को गाली निकालते हैं ये ये नॉर्मल है इनके लिए और इनके मेरे ख्याल है कि इनके दिल जो है वो वो सहत वो ज्यादा सहत हो गई हैं आ, ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो में नबूत का मसला मैंने इसलिए छेड़ा है ये कि इनका क्या लेना देना है इसलिए कि जो मेरा भाई था उसने ये कहा था कि मुझे जब पता लगा है में नबूत के मतलब मैंने उस वक्त मैं उस वक्त देरिया बन गया मतलब कि जो उसकी कहानी है जो बताता है आकर सबको कि ये मैंने मैंने ऐसे बना और ये ऐसे मैं एक्स एम हुआ और ऐसे मैंने जमात छोड़ी ये जब किसी को हाथ में नबोद का पता लगता है और शाह मोहम्मद के मतलब वो अपनी करता है इंफॉर्मेशन लेता है वो दैरिया तो नहीं होता ना ये झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं और ये कितना देखा आपने मेरे ख्याल है कि दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें वो दूसरे मुर्तदीन है जिनमें आपने भी देखा हुआ है मगर वो वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं झूठ बोलने का क्या फायदा है इनका जी वो आपने तवज्जो दिलाई है मैंने ओवरऑल एक सूरत हाल बताई है कि ये जो जमात को छोड़ने वाले हैं या जमात से निकाले हुए लोग हैं ज़ाहिर बात है कि ये इंतजाम निज़ाम जो है जमात का उससे ये अख्तलाफ करते हैं मसला एक बंदा गलत काम करता है जमात के अंदर एक निज़ाम है आप जिस भी निज़ाम दुनिया के किसी भी निज़ाम के अंदर जब आप रहते हैं तो उसके कुछ असूल जवाबत होते हैं जब आप उन असूलोत पर अमल नहीं कर सकते तो जमात ने आपके पाओं पर बेड़ियां तो नहीं बांधी ना आप सीधी तरह कह दें भाई मैं इन असूलों के मुताबिक नहीं चल सकता मुझे एक और इससे अच्छा निजाम मिला है मैं उस पे जाना चाहता हूं तो जमात कभी भी नहीं रोकती अच्छा ये बहुत बुरापोकंडा करते हैं जी जमात जुलम करती है उस बंदे के साथ के जो अः जमात छोड़ता है उसकी मिसाल क्या देते हैं पहली बात तो ये है जब किसी बात का जवाब देना हो तो जवाब की दो सूरतें होती हैं एक होता है इल्जामी जवाब और दूसरा होता है तहकी जवाब पहले मैं इल्जामी जवाब इसका देता हूं वो ये है कि खुद ये जिस पार्टी में अब चले गए हैं गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाली पार्टी में वो जब इस्लाम को कोई छोड़ता है तो उसके बारे में वो खुद क्या नजरिया रखते हैं खुद उनका नजरिया ये है कि जब कोई बंदा इस्लाम को छोड़ता है तो वह वाजबुल कतल है वो क्या है जनाब वाजबुल कतल है हम फर्ज मुहाल हम कुछ भी करें उसके साथ तो कतल से तो कम ही है ये तो अलान कहते हैं कि जो बंदा इस्लाम को छोड़ जाए अल्लाह तला ने आजाद पैदा किया है अब देखें फिर वही एक बात है कि कुरान के बिल्कुल उल्ट और खिलाफ तलीम है और इसी वजह से जो इस्लाम के मुखालिफ हैं वो इनके इन, इन खिलाफ कुरान कायद को इस्तेमाल करते हैं और फिर वो इस्लाम के खिलाफ करते हैं और फिर भी उसका जवाब जमात अहमदिया ही दे रही होती है कि ये इस्लाम नहीं है कुरान में यह तस्वर मौजूद नहीं है यह मुल्ला का मौलवी का घर में खड़ा हुआ एक दीन है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और ये जो जमात अहमदिया यानी हकीकी इस्लाम को जब छोड़ जाते हैं तो इस घर में खड्डी पर बने हुए किसी दीन को पेश करते हैं और फिर हम पर एतराज करते हैं ठीक है जनाब तो पंजाबी की एक मिसाल है कि आप किसे जई ना ते गल करनो रही ना यानी कि खुद तो अपना अमल ये देखें कि जो जो इनके अकीदा को छोड़िए उसे बाजबुल कतल मानते हैं तो हम पर एतराज कर रहे हैं जो हम बाजबुल कतल मानते ही नहीं ना ही हम किसी पर पाबंदी लगाते हैं आपके भाई ने खुर्रम साहब के भाई ने बशीर शाह साहब ने जब अहमदियत को छोड़ा है तो कभी किसी ने कहीं स्टिकर लगा हुआ देखा है जी ये खुरम शाह साहब का भाई जो है वो वाजबुल कतल है हम तो नहीं कहते हमारा तो ये कीदा ही नहीं हम कहते हैं ये कुरान के खिलाफ है उसके खिलाफ हमने कोई परसीक्यूशन नहीं की हाँ वो खुद अपने परसीक्यूशन अगर करता रहे और हम पे डाले तो वो तो उसका अपना एक फेल है जमात अहमदिया की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया जाता दूसरी ये लोग जो जमात अहमदिया को छोड़ के जाते हैं वो ये कह रहे होते हैं जैसे ये चौधरी सगीर साव वाले जो हैं, वो कहते होते हैं कि जनाब ये बड़े जुल्म करते हैं क्या करते हैं ये जी सोशल बाईकाट करते हैं तो कहते हैं ये गैर इस्लामी है सोशल करना ठीक है तो जब ये गैर इस्लामी है तो इसका तह, इल्जामी जवाब यह है कि जो जमात अहमदिया के साथ पाकिस्तान में आपके हकी सरकारी ठपे वाले मुसलमानों ने रवैया रखा हुआ है वो इस्लामी है कि उन, उनका आपने बुनियादी इंसानी हकूक से ही महरूम किया हुआ है पाकिस्तान से लेकर अवाम तक हर बंदे ने जमात अहमदिया को उसके बुनियादी इंसानी हकूक से ही महरूम किया हुआ है आईने पाकिस्तान की शिक नंबर बीस में लिखा हुआ है कि हर बंदे को अपने मजहब अकायद पर अमल करने और उसकी तबलीग करने का हक हासिल है आइन के वो शिक जो हमारी अहमदी मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है उसमें लिखा है कि आप तब्लीग नहीं कर सकते आप अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते आप नमाज नहीं पढ़ सकते आप मुसलमानों वाला नाम नहीं रख सकते असलम नहीं कह सकते कलमा नहीं पढ़ सकते बिस्मिल्लाह नहीं लिख सकते अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लिख सकते दुकानों के घरों के बाहर माशाल्लाह नहीं लिख सकते आप जिंदा हैं फिर भी आप पर पाबंदी है आप मर जाए तो कबर के ऊपर आप मोहम्मद नहीं लिख सकते आप मर जाए तो कबर के ऊपर भी आप बिस्मिल्लाह नहीं लिख सकते ये लोग इस तरह के लोग जिनके अपने अमल इतने स्याह हैं वो चैनलों पर बैठकर अहमदी मुसलमानों के खिलाफ कैसे किस मुंह से ये करते हैं कि जमात लोगों को ग्यूट करती है तो इसकी हजारों मिसालें दी जा सकती है क्यों नहीं पढ़ते तो उन्होंने इंतहा दर्दनाक वाकयात सुनाए उन्होंने कहा कि एक औरत का जनाजा हमने पढ़ा और हमारा और इन गैर अहमदी मुसलमानों का कब्रस्तान जो था वो साझा था जब तक मौलवी जो के शैतान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में मौजूद है उसने लोगों को उकसाया उन्होंने उस औरत का बेपर्दा जिसम कबर से निकालकर बाहर जमीन पर फेंक दिया एक छोटा शीर खार बच्चा या छोटा बच्चा उसको दफन किया गया इन्होंने उसकी लाश निकालकर सड़क पर फेंक दी तो ये इस तरह के काली करतूतें करने वाले लोग हमें दिखाएंगे कि प्रसिक्यूशन कर... हो होती है वो कहते हैं कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें हम कहेंगे तो शिकायत होगी तो ये इनके अपने अमाल हैं इनका कोई ऐसा एतराज नहीं जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता कोई ऐसा इतराज नहीं है कि जिसको हम अकल और फहम के मुताबिक हल नहीं कर सकते इनकी गुस्ताखी और बदजुबानी का वही जवाब है जो हजरत मोहम्मद सल्ला वसलम के अमल से हमें पता चलता है कुरने करी में अल्लाह तला फरमाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी ही बेहतरीन नमूना है तो हम तो रसुल करीम सल वसल्लम की जिंदगी पर अमल करते हैं और हकीकी तौर पर अमल करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि हम हकीकी मुसलमान हैं और अहमदियत हकी इस्लाम है रसुल करीम सल असलम के सामने दो साहब आपस में सख्त कलामी कर रहे थे सख्त जुबान एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल कर रहे थे एक सहाबी ने कोई जवाब नहीं दिया जब दूसरे साहबी ने भी जवाब दिया तो रसुल करीम सलम भी उसे नाराज हुए या उठकर चले गए तो उस साहब ने पूछा कि आप पहले तो आप बैठे रहे या पहले कुछ नहीं कहा बाद में आपने क्यों कहा तो उन्होंने फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तक तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी तरफ से फरिश्ते उसका जवाब दे रहे थे जब तुमने जवाब दे दिया तो फरिश्ते तुम्हारे ऊपर से चले गए तो हम इनकी गालियों का इनकी गुस्ताखियों का इनकी बदजुबानी और एक तो इल्जामी जवाब उसका दिया है ना कि जनाब जनाब जब आप खुद इसको जायज समझते हैं कि मुखालफ का जो अकाबर है जिनको आप नहीं मानते उनके खिलाफ और गुस्ताखी कर सकते हैं आप तो आपके इस के मुताबिक आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि जब दूसरा गुस्ताखी और बाद करे तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं तो दूसरा जवाब हम ये देते हैं कि हमारा जवाब वही है जो रसूल करीम सल्ला वसलम ने हमें सिखाया है कि उस बदजबानी का जवाब फरिश्ते हमारी तरफ से देंगे और हम आपकी सिर्फ जो रवैया रवैये हैं और आपके जो मन गढ़त और झूठे और धोखा धोखे पर मबनी ऐतराजात हैं उनके जवाब आप देंगे तो ये हम करेंगे और करते रहेंगे हमें जान को जान से मारने की अब धमकियां दें हमें टांगने की धमकियां दें हमें काटने की धमकियां दें जो मर्जी कर ले ना हमने सच बोलने से बाज आना है जारी बात है कि जब सच बोला जाता है तो शैतान तड़पता है उसे तो सच तो हम बोलेंगे वो तो हम नहीं छोड़ सकते ठीक है वो हम बोलेंगे हाँ आपकी तरह गाली गलोच हम नहीं कर सकते जाहरी बात है कि जब आपकी तरह कोई जमात को छोड़ता है तो उसके अंदर कोई ना कोई खराबी होती है तो वो छोड़ता है वो पाक निजाम से इसीलिए निकलता है या निकाला जाता है कि उसके अंदर कोई खराबी होती है और उसके अंदर का जो गंध है वो अच्छी तरह फिर वो निकालता है और चैनलों पर बैठ वो दुनिया को बताता है कि ये वो गंध है जिसकी वजह से मुझे निकाला गया है तो बहुत शुक्रिया जी खुरम भाई आप बात करें जी ठीक है ये जो हाथ में नबूत का जी जी बात कर रहे थे हम ये जंडा तो इस्तेमाल करते हैं हाथम नबूत का मगर ये जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर रहे हैं एहदियों का पाकिस्तान में ये एक किस्म का एक, कैसे था? एक एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है इसलिए कि ये साइकोलॉजिकल तौर पर पिछले चालीस साल से जो असर पड़ रहा है एहदियों के ऊपर वो कैसे यू नो ये ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में मैं अभी रिसेंटली बात कर रहा था अपने रिश्तेदार से ब, बच्चा है सोलह साल का है और वो मुझे बता रहा था कि वो टेक्स्ट भी नहीं कर सकते बिस्मिल्ला ये को ऐसी चीज़ पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में आपके ख्याल में कि क्या कोई कोई को, 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 अच्छा, अच्छाई निकल सकती है पाकिस्तान से जी बहुत शुक्रिया आपने अच्छाई के बारे में पूछा कि क्या वो पाकिस्तान से निकल सकती है तो उस सिलसिले में अर्ज ये है कि कहते हैं बर्तन के अंदर से वही निकलता है जो बर्तन के अंदर मौजूद हो तो ये तो नेचुरल सी बात है कि जो बर्तन के अंदर मौजूद होगा वही बर्तन के अंदर से निकलेगा तो पाकिस्तान में जो ये जमात अहमदिया की प्रसिक्यूशन हो रही है इसको हम कई पहलुओं से देख सकते हैं उनमें से एक पहलू ये है कि देखें अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है और वो इंतहाई अहम हदीस है वो हर बंदे को उस पर गौर करना चाहिए जो वहां के जो इमाम थे अब्दुल वहाब नजदी साहेब वो फरमाते थे कहते थे कि जिसने इस हदीस को अच्छी तरह समझ लिया वो फकीर बन गया यानी कि उसने सारे दीन को समझ लिया जिसने इस दी को समझा वो हदीस है तिहत्तर फिरकों वाली हदीस रसूल अक्रमल उसका मफहम बयान कर रहा हूँ रसुल अक्रम सला ने फरमाया कि मुझसे पहली जो उमतें गुजरी हैं जैसे अलह किताब है उनमें तिहत्तर फिरके थे या यहूदियों के बहत्तर थे उ... लेकिन मेरी उम्मत के तिहत्तर फिरके होंगे जिनमें से बहत्तर और एक फिरका जो है वो होगा तो साहबा ने पूछा कि यार हम अगर हमारी जिंदगी में आए तो किस तरह पहचानने के वो जनती फिरका कौन सा है तो रसुल करीम वसल्लम ने फरमाया कि उनके हालात से तुम उनको पहचानोगे उनके हालात बिल्कुल वैसे होंगे जैसे मेरे और मेरे साहबा के हालात हैं अब आप देख लें इसको कि क्या रसूल करीम सलम की जिंदगी का मुताह करने वाले ये नहीं जानते के करीम सरह सालों में क्या किया गया जब का दावा किया और वो मक्का में मौजूद थे क्या उनके साथियों को शहीद नहीं किया गया क्या रसुल करीम सलम को नमाज पढ़ते हुए तंगियां नहीं दी गई क्या लोगों को वहां मसाजिद बनाने से वहां इबादत करने से मना नहीं किया गया क्या कौन सा दुनिया का जुलम है जो वहां मक्के वालों ने उनसे नहीं किया जिसकी वजह से उनको फिर कभी हबशा की तरफ हिजरत करनी पड़ी है तो कभी मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी है सौ फीसद वही हाल इन लोगों का है और लोगों के हाल से ही पता चल जाता है कि वो सच्चाई के साथ हैं या वो झूठ के साथ है क्योंकि असल मामला तो यही है कि हमने हक की तलाश करनी है सच की तलाश करनी है और जहां कुरान करीम में अल्लाह तला फरमाता है सचों के साथ हो जाओ जहां तुम्हें सच मिले उसको अपना लो क्योंकि सच में ही निजात है जो झूठ का साथ हो देगा वो जहरी बात है कि शैतान का साथ देगा और शैतान जिस तरह जो है वो गुमराह है और गुमराह करता है और खुद भी गुमराह शुदा बन के वो आखिर में बुरे अंजाम को पहुंचेगा इसी तरह वो उनको भी अपने अंजाम में साथ खेचता है तो हम हक की तरफ बुलाते हैं कुरने करीम में फरमाता है कि अल्लाह का रसूल इन लोगों को जो अंधेरे में बैठे हुए हैं रोशनियों की तरफ बुलाता है और ये जो लोग हैं जो गुमराह हो चुके हैं और शैतान जो है वो इन रोशनी में मौजूद लोगों को जिन्होंने रसुल अक्रम सलाम का साथ दिया है अंधेरों की तरफ बुलाते हैं तो यही हाल इनका है कि जिन अंधेरों में ये खुद बैठे हुए हैं ये हमारे साथ बुरा सलूक करके हमारी अः पैदाइश से लेकर वफात तक और मरने के बाद तक ये जो हमारे साथ जुलम करते हैं ये वो जुलम इसलिए करते हैं कि लोग मुर्ताद हो जाए लोग ये दीन छोड़ जाए जो लोग जमात अहमदिया को हकीकी इस्लाम को छोड़कर इनका वो बोसीदा और घर में गड़ा हुआ अकीदा मान लें और इनकी वो जालमाना तशरी मान लें जो बिल्कुल इस्लाम के और कुरान के और सुले करीम वसल्लम के फरमान के खिलाफ है ये चाहते हैं कि इस्लाम जो अमन का दीन है जो जो हम सारी दुनिया को बताते हैं जिसकी वजह से दुनिया इस्लाम को दहशत गर्दी का दीन कहती है जब हम उसको नहीं मानते तो यह कहते हैं तुम झूठे हो और ये हमारी प्रोसिक्यूशन करते हैं ताकि हम इसको छोड़कर इन वाला मौकफ अपना लें कि जो बंदा राह में जाता हो उसको छुरी मार के कतल कर दो जो बंदा नमाज के लिए जा रहा हो उसको गोली मार के कत्ल कर दो जो मस्जिद में इकट्ठे हुए हों बच्चे स्कूल में इकट्ठे हुए हों बाजार में औरतें फिर रही हों बच्चे फिर रहे हो उनमें बम धमाका कर दो जाके तो ये चाहते हैं कि हम हकीकी इस्लाम अहमदियत को छोड़कर इनके इस दहशत गर्दी से बड़े हुए एक मन गणत दीन को मान लें जिसका इस्लाम से हजरत मोहम्मद सलम से कोई ताल्लुक नहीं है तो ये चाहते हैं कि हम हक को और नूर को और रोशनी को छोड़कर इनका झूठ इनकी गुमराही में वापस चले जाए जो कि हम कभी कर नहीं सकते सिर्फ वही कर सकता है जो यहां रह के भी जिसके दिल में नूर शामिल नहीं हुआ था जो दुनिया का कीड़ा है जो दुनिया परस्ती करता है जो दुनिया से मोहब्बत करता है जो अल्लाह से अल्लाह के कलाम से अल्लाह के रसूल से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता वो अपने नफ्स से और दुनिया की लजाज से मोहब्बत करता है वही बंदा है जो यहां से निकलकर वहां बैठता है जाकर और आप देख लें वहां क्या नतीजा है आए दिन दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं है जो इस पाकिस्तानी कौम के अंदर मौजूद नहीं है मैं ये नहीं कहता कि सौ फीसद कौम बुरी है वहां अच्छे लोग भी हैं लेकिन चूंकि अक्सरियत या तो खुद गलत काम करती है या गलत काम करने वालों का साथ देती है या गलत काम पर चुप रहती है इसीलिए ये जो है गुमराही वहां कम होने के बजाय दिन ब दिन ज्यादा हो रही है मिसाल के तौर पर ये देखे दुनिया का कोई फील्ड नहीं जिस तरह रसूल करीम सल्लाह की जात थी ना कि दुनिया का कोई फील्ड नहीं जिसमें उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था तो ये बिल्कुल उसके उल्ट है कि दुनिया का कोई बुरा काम नहीं है जो पाकिस्तान में बड़ी शानो शौकों से नहीं हो रहा बच्चों के साथ बदकारी ये करते हैं स्कूल के अंदर बदकारियां ये करते हैं मुर्दा औरतों को कब्रों से निकालकर बदकारियां ये करते हैं जो आम खाने वाली चीजें हैं उनमें ये मिलावटें करते हैं सर बात जिसमें कुरान से मना किया गया है वो इस कौम में पाई जाती है और अगर ये कहा जाए कि वो तो जाहिल हैं, उनको तो पता नहीं तो खुद इस्लाम का नाम लेकर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के नाम पर ये लोगों को किस तरह गुमराह करते हैं कि ये लोगों को कत्ल करते हैं अल्लाह के नाम पर ये कत्ल करके कहते हैं कि ये बंदा जिसने कत्ल किया है जैसे वो मुमताज कादरी दहशतगर्द जिसने सलमान तसीर को

आयन के तहत हमें कहते हैं जी आप आयन नहीं मानते तो तुम आयन मानते हो उस आयन ने जब उसको दहशत गर्द करार दिया जब उसको इसका मुजरम और कातिल बनाकर उसको फांसी दे दी तो तुम उसको ग्लोरीफाई करते हो यानी फिर उसको ग्लोरीफाई करते हैं और जो बंदा उसको ग्लोरीफाई करता है उसको इस्लाम का मुजद्द कहते हैं तो ये हमें कहते हैं कि तुम अमन पसंदी को छोड़कर आओ इस गुमराही में बैठो आकर हमारे साथ तुम भी गुमराह हो और तुम भी बाहर निकलकर लोगों को कत्ल करते फिरो फिर तुम असल इस्लाम में आओगे तो हम इस तरह की गुमराही में जाने वाले नहीं हैं कोई भी अकल और शऊर रखने वाला अहमदी मुसलमान कभी भी हकीकी इस्लाम को छोड़कर इनके इस मनगढ़ और दुनिया को इस्लाम से नफरत दिलाने वाले अकीदों में जा नहीं सकता सिर्फ वही जाता है जिसका इस्लाम से रसूल करीम सलम से अल्लाह से कुरान से दूर का भी वास्ता नहीं है और इनके अमल भी ये बात जाहिर करते हैं देखें ये जमात अहमदिया के निजाम की वजह से जमात को अगर छोड़ते हैं दस मुर्त एक वीडियो के अंदर बैठकर हमारे खिलाफ अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो मुझे यह बताएं कि जमात अहमदिया का जो निजाम है इसके मुकाबले पर क्या यह कोई निजाम कायम कर सकते हैं क्या ये अपनी खिदमत जमात अहमदिया के मुकाबले में दिखा सकते हैं कि इस्लाम की तबलीग के लिए ये खुद क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्लाह तला का हुक्म तो ये था कि तुम नेकियों में आगे बढ़ो अगर कोई बंदा दस रुपए अल्लाह की राह में देता है तो तुम बीस रुपए दो अगर हजरत उमर ने आधे घर का सामान दिया अल्लाह की राह में तो हजरत अबू बकर सदीक ने सारे घर का सामान दे दिया तो ये खुद तो ये काम नहीं करेंगे तो ये खुद जमात अहमदिया जो अच्छे काम कर रही है ये खुद कर नहीं सकते कर सकते ही नहीं अल्लाह तला ने तोफीक ही नहीं देने आपने शुरू में खुरम भाई बात की कि वो खिलाफत के बारे में तो आप देख लें कि इनको इतनी सख्त तकलीफ हो रही है कि जी खिलाफत का नाम क्यों आ रहा है अहम खिलाफत का वहां लेकिन जब इनसे सवाल किया जाए भाई तुम्हारे पास खिलाफत है कहां हमें खिलाफत दिखाओ तो सही तो दूसरे पर तो इतराज करते हो तो खुद अपने पास तुम्हारे कुछ भी नहीं कहते हैं जी आपके खलीफा साहब को माजला कुरान ही नहीं सही पढ़ना आता मैंने उनसे कहा कि भाई एक दफा अगर अटक भी गए वैसे तो वीडियो एडिट की हुई है अगर एक दफा कुरान में कोई अटक भी जाता है तो इससे यह साबित तो हो जाता है तो वो बंदा ठीक नहीं रसूल करीम सल सलम ने एक दफा नमाज पढ़ाई उसमें थोड़ी सी कोई एक जो है ना वो रकात की गलती हो गई यानी कि वो इंसान थे भूल चूक हो गई तो उस साहबा ने पूछा क्या नमाज बदल गई है या क्या है ये नमाज कम हो गई है क्या हुआ है ये आपको गलती उन्होंने कहा जी मैं इंसान हूँ रसूले अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जिस तरह तुम बोलते हो मैं भी भूल जाता हूँ जिस तरह तुम गलती हो मैं भी गलती कर देता हूँ तो इससे अब इनके असूल के मुताबिक तो ये नबी करीन वसलम को अब नबी नहीं मानते क्योंकि उनसे जो तो एक रकात की गलती हो गई है तो इन्होंने मेयार घर पर घड़े हुए हैं ये जो गैर अहमदी मुखालफिन ना एक मुहावरा है कि ये हुबे अली नहीं बुगजे मुआविया है इसी तरह ये हुबे मोहम्मद नहीं है ये बुगजे जमात अहमदिया है हक को देखकर जिस तरह अंधेरा रोशनी से डरता है जिस तरह गुमराही से जो गुमराह करने वाले हैं वो जब रोशनी को और हिदायत को देखते हैं तो उसके मुखालिफ हो जाते हैं इसी तरह इन लोगों को पता है कि जब तक जमात अहमदिया दुनिया में मौजूद है और फैल रही है इनका ये गुमराही का प्रापे दिन ब दिन नाकाम होगा हम दुनिया को बताएंगे कि ये देखे इन्होंने उस बच्चे को उसकी ब्रेन वॉशिंग की उसको समझाया कि तुम्हारे साथ वाले घर में जो लोग नमाज पढ़ते हैं ये अल्लाह रसूल के दुश्मन है इनको कतल कर दो जाके ये इन्होंने इस नाम का इस बात का नाम दीन रखा हुआ है और उसको ग्लोरीफाई करते हैं जिसे सौ फीसद साबित होता है कि ये रसूल करीम सल लाह सलम की सख्त तोहीन करते हैं जब ये किसी रास्ते में जाते हुए को, को कतल करके कहते हैं कि ये रसूल करीम सल वसलम का सच्चा आशिक है तो उससे पता चलता है कि इनकी तालीमात इनके अमल कोई चीज भी ना इनके अकीदे ना इनके अमल ना अल्लाह से ना रसूल से ना कुरान से मिलते हैं तो हम दुनिया को यह बताते रहेंगे कि हकीकी इस्लाम क्या है अल्लाह ताला ने हजरत मसीह मऊदत सलाम को ऐन वक्त पर भेजा अगर उस वक्त ना आए होते तो आप सोचे कि इनका क्या अशर होता अगर अहमदीय मौजूद ना होती इसीलिए रात को खाबों के अंदर भी इनको अहमदी मुसलमान पर काम करते हैं वो नजर आते हैं और उनका काम इनको नजर आता है उनके होते हुए इनको रात को चैन से नींद आ ही नहीं सकती क्योंकि हमने गाली देनी नहीं बदजुबानी करनी नहीं झूठ बोलना नहीं गलत और मनफी प्रापिगंडा करना नहीं इस्लाम को दहशत का मजहब बना के पेश करने देना नहीं हमने सच्ची बात पेश करनी है

जो यहूदी हैं जो जो पाद, जो उन, उनके उन, उनके पादरी थे कि आप ज, ज, जो जो जन्नत सिलसिला में दाहुद दाहल नहीं होते और आप किसी को दाहल भी नहीं होने देते मतलब कि इन उधर आकर आगे खड़े हो गए हैं कि हमने खुद भी नहीं होना हमने खुद भी अपनी इस्ला नहीं करनी और हमने किसी को किसी को अच्छे रस्ते पर जाने भी नहीं देना तो ये ये है हालत जिसका आपने थोड़ा सा अभी जिक्र किया है ये ये बात यह है कि ये तो वही बिल्कुल वही बात हुई है जो मुनकर थे हजरत मसीह के इस्लाम केसालाम के ये लोग उन जैसे ही बन गए हैं सही है ना जी बिल्कुल आपने ये ठीक तवज्जो दिलाई है तो इस सिलसिले में मुझे नहीं पता अब आप जब प्रोग्राम करते हैं तो आप किसी बंदे को सवाल करने के लिए बुलाते हैं या नहीं अगर आपका मूड हो तो आप जरूर बुलाएं नहीं तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो खत्म की बात हम कर रहे थे तो इस सिलसिले में मैं तो बड़ा ख्वाहिश रखता हूं कि कोई कोई बंदा ये अपने चैनलों पर बैठ कर कर ले अगर हमारे चैनल पर नहीं आना चाहते कि ये यह खत्मत की वजाहत करें कि इनका खत्म का अकीदा क्या है और फिर हर फिरके का ये कहते हैं जी जब इनसे बात हो जी हम उम्मत एक हैं और आप अलग हैं इसलिए मैं फिरकों की बात करता हूं ये भी इनके इनको बड़ी सख्त चुभती है बात कि मैं फिरका क्यों पूछता हूं मेरा काम ही यही है जब तक फिरका नहीं बताना बात आगे नहीं होनी और उसके बगैर भी बात हो सकती है लेकिन उसका मकसद यही होता है कि जब आप हमारे सामने आकर ये बात करते हैं जी हम सब तो एक फिरका है और एक उम्मत है और आप उस उम्मत से बाहर हैं तो फिर जब जिस चीज को आप उम्मत कह रहे हैं उसके बारे में जो सवाल हम करते हैं उसका जवाब भी सारी बात है आपको देना चाहिए तो इसलिए सवाल ये किया जाता है कि जनाब आप इसलिए मैं खत्म के बारे में सवाल करता हूं कि जिस चीज का नाम आपने खत्म रखा है वो खत्म आप बयान करें उसकी कुरान करीम से दलील बयान करें हम उस दलील के बारे में गौर करेंगे उसके बारे में जो हमारा मौकफ है हमारा सवाल है वो आपके सामने पेश करेंगे तो आवाम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है यानी असल जो मसाइल हैं उनकी तरफ ये कभी आवाम जो है उसको आने नहीं देते और उसकी यही वजह है कि ये अवाम को वो अवाम को गुमराह रखना चाहते हैं ताकि अवाम को असल मसाइल का ना पता चले उनको ऐसे झूठ बोलो कि अवाम कभी उसकी तहकीक कर ही ना सके ठीक है जी तो ये खतम पर हम ये है कि दावत देते हैं इनको कि आप खतम का अपना कीदा बेशक अपने चैनलों पर बैठ के बात करें आपका भाई है उसको भी मैं दावा देता हूँ किया था तो वो दो मिनट बाद ही वो कहता है नहीं जी आप तो ये है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा वो मैं शेयर भी कर सकता हूँ उनसे इजाजत लेकर उनकी प्राइवेट गुफ्तु है तो अर्ज ये है कि वो कहते थे जी आप हजरत मसीह सलाम की ज़ात पर बात करें इस सिलसिले में एक बुनियादी नुकता हमेशा याद रखें कि हजरत मसीह मऊदात वसलाम की पर बात करने का उस बंदे को हक है जो हजरत के बाद नबूत को जारी मानता है हम हजरत मसीह मऊद सलाम को मसीह माहदी और उम्मती नबी मानते हैं अब एक बंदा नबूत को जारी ही नहीं मानता तो वो तो सबसे पहले उसका इतराज़ ये होना चाहिए जी मैं तो नबूत को जारी नहीं मानता आप नबूत को ए, जारी नहीं मानता तो फिर हम उससे दलील तरफ करेंगे भाई लाओ उसकी दलील लाओ क्योंकि कुरान कहता है कि अगर सच्चे हो तो दलील लाओ अगर वो एलानिया तौर पर कह दे कि ये खत्म नबूत के नाम का जो हमारा किदा है कि रसुल करीम अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता ये झूठा और मनगढ़त है और कुरान से इसकी कोई दलील वजूद साबित नहीं है फिर हम उससे अगली बात करेंगे कि जनाब अब रसूल करीम सल्ला ने पेश गई फरमाई थी कि मेरे बाद ईसा साब मरियम आएगा उसकी जिंदगी के हालात बताए थे उसकी अलामत बताई थी महदी भी उसको फरमाया था तो वो जो अलामात हैं वो हम उस ईसा सलाम को वफात याफ्ता मानते हैं और अगर तुम्हारा ये दावा है कि हजरत ईसा सलाम जिंदा है तो उनकी जिंदगी पहले साबित करो अगर वो कहे कि नहीं मैं उनको वफात याफ्ता मानता हूं और

जी 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 बिल्कुल कर लें मुबारक साहब वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया ज़ाक आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रन किया है स्टार्ट किया है मीर साहब का स्पेशली उनकी एफर्ट अल्लाये और उनको इस, आ, इस कदम और इस तकामत अता फरमाए और उनके इलम में मजीद अजाफा फरमाए कि उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए ये जो मसाइल हैं जो उलझाया हुआ है मसाइल के अंदर उस उसके, उससे आगाही देने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं खुदा तला उन पर हमेशा मेहरबान रहे बात यह है कि जो मीर साहब ने बहुत अच्छी यहाँ पे आ, ये मौजू छेड़ा है कि जो हालात रसूल करीम सल वसम के आ, आ, दौर में थे और उन्होंने जो आ, पेश गोई की थी कि बहत्तर फ़िरकों की और तिहत्तर फ़िरकों की और नाजिया फ़िरके की जो निशानियां बताई हैं वो बड़े आसन अंदाज़ में बयान की हैं मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा करूंगा और उसके बाद मैं आप माइक उनके हवाले करूंगा ताकि वो हवाला जात के साथ इसको जारी रखें अल्लाह रसूल ने फरमाया था कि वो नाजिया जमात की जो बहुत सारी निशानियों में एक निशानी ये होगी एक बात ये होगी कि वो इमाम वाली जमात होगी तो जैसा कि मीर साहब ने यहाँ बताया भी है कि खिलाफत का इस वक्त जो खलीफा मुस्लिम खलीफतलमसलम का भी रौला डाला हुआ है तो ये रसूल करीम वसल्लम ने पहले ही इसको क्लियर कर दिया है और बड़ी वजाहत से बयान कर दिया है कि वो तलजम जमात अमुसलमाना व इमामा कह के कि इमाम वाली जमात में शामिल होना और वही जो है वो नाजिया जमात होगी और अगर इमाम ना मिले तो जंगलों में जाके दरख्तों की जड़ें या पत्ते मुझे अल्फाज अभी जो दोनों मिलते हैं तो वो चबाना जब तक कि तुम्हें मौत आ जाए यानी फिरकों से अलग हो जाना तो इतनी वजाहत से जो बातें बयान हुई हैं वो छुपाई जाती हैं लोगों से तो इनको आ, जो है वो अवेयरनेस नहीं है और इसीलिए ये सारे मिसाइल खड़े होते हैं ये जो पिछले दिनों यहाँ पे ये यूरोप में खूस यूके में जो ईद का मसला हुआ था कि यहाँ पे अप्लीकेशन दी गई कि ईद की नमाज जो है उसकी एक छुट्टी रख दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से ताकि ईद एक दिन जो है वो सबको छुट्टी हो उन्होंने कहा कि आप ईद का एक दिन मुकर करके बता दें कि फला दिन आपने सबने ईद करनी है तो हम आपको ईद की छुट्टी दे देते हैं तो जब ईद की नमाज पर भी इस मुस्लिम उम, उम्मत का जो इकट्ठ एक, एक, नहीं है और ये उनको बता ही नहीं सकते कि ईद की नमाज हम फलां तारीख की चांद को हम पढ़ते हैं और चांद की तारीख का ही ये इख्तलाफ करते हैं आपस में तो फिर इतना बड़ा मसला जो है उसको छेड़ के बैठ गए हैं अगर ये उनको वो इनको पूछते हैं कि ये आपका खलीफा है कौन तो इनके पास कोई जवाब है कोई इनके पास कोई बात है कि ये बता सके और फिर ये शोर भी इन्होंने किया हुआ है कि एक खलीफा होना चाहिए आप किस फिरके का चुनेंगे ये तो अल्लाह जाने कौन उसको कबूल करेगा यह भी आप सबको पता है बहरहाल बहुत शुक्रिया जजाकल्ला आपने मौका दिया और मैं ज्यादा सुनना चाहूँगा यहाँ पे और अपने इलम में भी इजाफा करूंगा जजाकल्ला जी जजाकल्ला मुबारक साहब बहुत शुक्रिया आपका अभी एक और गेस्ट आए हैं मुझे पता नहीं ये कौन है हम देखते हैं इनको ऐड करते हैं अगर इनका कोई सवाल है तो फिर कोशिश करते हैं जवाब देने की यस टूर ठाक व जी सर क्या हाल है जी मैं ठीक हूँ जी, मुझे तो पता नहीं ये किस पे पे है मैं तो 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 ग्रुप में लिंक आया क्लिक किया आ गया अच्छा अच्छा ठीक है अब ऐसे करें कि का भी लिंक है वो मैं आपको भेज देता हूँ आप देख लें ये मौजू हाथ में है और जमात अहमदिया के अकायद हैं सो आप आराम से बैठ कर देख सकते हैं अगर आप अच्छा देखना अच्छा चाहते हैं जी आ, मीर साहब इसके अलावा ये आ, कुछ बात थी मैं करना चाह रहा था ये मौजू तो नहीं कर रहा मगर ये जो गैर हैं और हमारे एक्स एम हैं ये कहते हैं कि हज़रत हज़ब वसीम ने आ, किया क्या है कैसे मुजदद थे और और इन कौन से रिफॉर्म्स लेकर आए हैं मैं ये कल परसों एक प्रोग्राम देख रहा था आ, अदनान रशीद साहब का और वो बता रहा था कि कितने मुजद आए हैं और कितने उनने काम काम किए हैं और कैसे उन्हें किताबें लिखी हैं ये वो और ये क्या समझते हैं क्या है कि मुजद या मसीह क्या होएगा मारने वाला होएगा कि उन जैसे होएगा जो पहले आए हैं मगर उनसे बड़ा होएगा ये इनके क्या आइडिया ये क्या है कुछ इसके ऊपर बता सकते हैं जी बहुत शुक्रिया ये अक्सर सवाल होता है कि जी किया क्या है लेकिन जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ ये इनकी पैदाइश से पहले के सवाल हैं और पहले के जवाब दिए जा चुके हैं और दूसरा ये बात हमेशा याद रखें कि कोई ऐसा इतराज़ नहीं है जो इनसे पहले अम्बिया पर नहीं किया गया खुद रसुल करीम सल वसलम पर भी ये इतराज़ होता है जो मुनकिर हैं रसुल करीम सल वसल्लम के जैसे क्रिस्चन है या हिंदू हैं वो क्रिश्चन ये कहते हैं भाई कौन सी बात है जो कुरान में ऐसी लिखी है जो बाइबल में नहीं लिखी थी कौन सी नई तलीम रसुल करीम सल वसलम लेकर आए हैं और वो कहते हैं कि हमारा यसू जो है या नया हदमा है, है उसने सख्तियों को खत्म करके तो नरमी दुनिया में पैदा की तो आपके नबी ने आकर फिर जंगें शुरू कर दी और जंगों की तलीम दी और आज तक जो देखें उसके मानने वाले यहाँ दुनिया के अंदर कभी धमाके करते फिरते हैं कभी लोगों को टोके मारते हैं कभी गोलियां मारते हैं कभी छुरिया मारते हैं तो ये वही इतराज़ है कोई ऐसा इतराज़ नहीं ये करते जो पिछले अंबिया पर उनके मुखालफिन ने नहीं किया हुआ वो पूछते हैं भाई क्या नई बात ऐसी की है और आप ये देखें कि मुलहदीन और एथियस्ट और गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हो गए हिंदू हो गए सब बैठकर इस्लाम के खिलाफ इतराज कर रहे हैं कभी भी जो जमात को छोड़ के जाने वाले लोग हैं उनको आपने नहीं देखा होगा कि वो इनके क्रिश्चनों के जवाब दे रहे हैं यानी कि जो काम करने वाला है हम इनके साथ वक्त जाया नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि इस्लाम को दुनिया में फैलाया जाए इस्लाम की हकीकी तस्वीर को दुनिया में फैलाया जाए और इस्लाम पर जो दुनिया एतराज कर रही है उसका यह भी जवाब दें हम भी देते हैं बजाय इसके ये खुद उस वो काम करें ये हमें भी ये जुलुओं को झूठ बोल बोलकर गुमराह करने की वजह से इस बात की तरफ मुतवज करते हैं कि हम भी इनके जवाब दें और जो क्रिश्चनों को तबलीग करनी है हिंदुओं को करनी है दूसरों को करनी है वो हम इन पर जाया करें तो इसने के रवैये बताते हैं कि इनकी नीयतें क्या है ठीक है दूसरा हजरत मसीह मऊदा तो ने एग्जैक्टली टू दी बात करें तो क्या किया है तो ये पता चलता है तब जब हजरत मऊदत तो की जिंदगी का उस वक्त की तारीख का मुतालिया किया जाए फिर पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है ठीक है और इसी इसका इजामी सवाल यह है कि इन्होंने क्या किया है दुनिया में इनके अकाबिर जब इनके अकाबिर जब इनके ए, इस हिंदुस्तान के अंदर जहाँ हजरत मुसी मौद्लाम तो आए थे लाखों के हिसाब से लोग मुर्ताद हो गए इस्लाम को छोड़कर कुफर में चले गए ईसाई हो गए और उसके अलावा इनके सैयदादे रसुल करीम सल्ला सल जिनको ये बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं रसूले करीम सोसलम की औलाद वो भी मुर्ताद होकर रसुल करीम सोल्लम की माजअला दुश्मन बन गई और फिर सोले करीम का बाजुबानी करने लग इनके बड़े बड़े मौलवी जिनको ये उलमाए हक कहते थे और जिनको आज भी ये अपने प्रोग्रामों में उन को बैठ कर कह रहे होते हैं कि है, हो ईसाई हिंदू आरिया थे और हजरत मोहम्मद के खिलाफ गंदा और झूठा प्रोपेगेंडा करते थे इस्लाम कुरान और अल्लाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे इनके अकाबर बजाय उनका जवाब देने के जब हजरत मसीह महमद अल्लाह ताला से हिदायत पाकर सारे फिरकों के खिलाफ इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए बाहर निकले हैं तो ये उन्हीं लोगों की नस्लें हैं जिन्होंने उस वक्त भी हजरत मसीह महदसलाम की मुखालफत की जिस तरह आज भी बजाय इस्लाम के मुखालफिन की मुखालफत करने के ये इन अहमदी मुसलमानों के खिलाफ जूटा नफरत अंगेज गालियों से भरा हुआ नीच प्रापोकंडा करते हैं तो हजरत मुसीह मऊदलात उसम जब आए हैं तो उनकी जिंदगी के इर्द गिर्द हालात क्या थे अगर उन पर गौर किया जाए तो फिर पता चलता है कि उन्होंने काम क्या किया है मैंने जैसा कि मुफ्सरन अर्ज किया कि मुर्त हो रहे थे धड़ाधड़ लोग लाखों के हिसाब से लोग मुर्तद हो गए इस्लाम के खिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त गाली गलोच वाला और झूठा और तजलील जिल्लत प्रोपेगेंडा किया गया इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा किया गया बिल्कुल जिस तरह आज ये हमारे खिलाफ करते हैं ना इसी तरह अगर वो किताबें पढ़कर सुनाई जाए जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उस वक्त आर्या और क्रिश्चियनों ने लिखी थी तो दिल फटने को आ जाए ये लोग तो सुन भी नहीं सकते पढ़ भी नहीं सकते कि उनमें क्या लिखा हुआ है हाँ ये अपने अमल देख लें जिस तरह की इनकी गंदी जुबान है इसी तरह उनकी गंदी जुबान थी जो इस्लाम के खिलाफ प्रापे करते थे और वो ये प्रापे करते थे कि इस्लाम मजहब जो है वो निजात के लिए काफी नहीं हजरत मोहम्मद के किरदार पर इतराज करते थे जिस तरह ये किरदार हजरत मसीह महदला तो इस्लाम पर गंद उछालते हैं वो भी ऐसे ही करते थे उस वक्त में अल्लाह तला ने एक बंदा भेजा जब सारे लोग मुताद हो रहे थे कि जाओ और अब जाके इस्लाम का दिफा करो तो हजरत ने बरा ही लिखी जिसमें वो बुनियादी बयान किए जो किसी भी मजहब को सच्चा या झूठा परखने के लिए कि मजहब सच्चा है या झूठा है उसके लिए सुनहरे असूल हैं जो अल्लाह ताला से हिदायत पाकर आपने लिखे और सारी दुनिया को चैलेंज किया कि मैं अपनी जात को और इस दिन इस्लाम को और कुरान को दुनिया के सामने एक सच्चाई के तौर पर पेश करता हूं अगर कोई इसके खिलाफ रखता है तो आए मुझसे मुकाबला कर ले वो मुकाबला रूहानी भी आपने किया वो मुकाबला इन असूल मुनाजरा के तहत भी आप, आपने किया और हार लिहाज फिर सिर्फ जुबानी कलामी बातें नहीं की जैसे वो इकबाल ने कहा कि इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है गुफ्तार का ये काजी तो बना किरदार का गाजी बन ना सका तो सिर्फ वो शायराना अली नहीं की सिर्फ बातों में बस हवाइया उड़ा दी और बाद में सिलसिला खत्म हो गया एक ऐसा निज़ाम जमात कायम किया अल्लाह तला की रहनुमाई से ये कहते हैं जी अंग्रेज का लगाया हुआ पौधा है अंग्रेज का नहीं ये अल्लाह तला का लगाया हुआ पौधा है जिसको सारी दुनिया ने मिलकर उखाड़ना चाह लेकिन इसका कुछ उखाड़ नहीं सकी क्या अंग्रेज अल्लाह से ज्यादा ताकतवर हो गया था कि अल्लाह तला तो एक चीज को उखाड़ना चाहता था लेकिन अंग्रेज ने उसको उखाड़ने नहीं दिया और अब वो सारी दुनिया में इतना फैल गया है कि ये सारे एक शर या सात अरब अपना होने का दावा करते हैं वैसे तो झूठ बोलते हैं ये सारे मिलकर भी जोर लगा रहे हैं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे और जहां से ये पाबंदी लगाते हैं वो पंजाबी में कहते हैं एक दर बंद सौ दर खुला तो अल्लाह तला इनके एक दरवाजा बंद करने से सौ दरवाजे खोल देता है अल्लाह के फजल से देख ले हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में भी हमारी बात लोग सुन रहे हैं अमेरिका में भी सुन रहे हैं यूके में भी सुन रहे हैं जर्मनी में भी सुन रहे हैं दुनिया के हर मुल्क में लोग बैठकर हमारी बात सुन रहे हैं और इनका बस नहीं चलता कतल की धमकियां देते हैं जो मर्जी ये करते रहे ये इस आवाज को दबा सकते नहीं क्योंकि उस सच्चे मसीह और महदी के साथ अल्लाह ने वादा किया था कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक तो पहुंचाऊंगा तो अगर अगर वो झूठा वादा था तो ये हमें रोक लेंगे अगर वो वादा सच्चा था और सच्चा है तो सारे मिलकर क्या सारी दुनिया भी जोर लगा लेगी तो इस आवाज को बंद नहीं कर सकती तो ये मुखसरन मैंने थोड़ा इशारा तन बात की है लंबा मजमून है लंबी कहानी है वक्त जैसे जैसे मिलेगा आपके सामने बयान करूंगा जी हुरम भाई जी जजाक बहुत बहुत खूब मुबारक साहब आप कुछ कहना चाहते हैं मैं फिर आपकी बात करने के बाद मैं एक और बात है मैं मतलब बात करना चाह रहा था अच्छा जी सलाकम जी माशाल्लाह बहुत खूब बयान किया है अपना मीर साहब ने बात यह है कि आप उस वक्त के जो आलिम थे उस वक्त के वक्त के जो महक थे या जो बहुत इल्म रखने वाले लोग थे उनके अगर आ, रिव्यू पढ़ें उनके अगर अल्फाज पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हजर मिर्ज़ा साहब ने इस्लाम की क्या खिदमत की है सर सैयद अहमद खान हो गए अबुल कलाम आजाद हो गए या ये जो बहुत मुखालफ थे मोहम्मद हुसैन बटालवी उनके देख लें अमृत सरी, सरी जो है उनके अल्फाज देखें तो आपको पता चलेगा कि मुखालफी जो जिन्होंने जमा हजरत मिर्जा साहब को आ, किस आ, किन अल्फाज में वहां पे याद किया है और यहाँ तक कह दिया कि चौदाह सौ साल तारीख में इस्लाम की खिदमत इस तरह किसी ने भी नहीं की जिस तरह हजरत मिर्जा साहब ने खिदमत की है इस्लाम की तो हजारों ऐसे बातें हैं लाखों निशानात हैं लेकिन अल्लाह तरमाता है कि निशान सिर्फ अकल वालों के लिए होते हैं सिर्फ उनको समझ आते हैं और खुदा तला उनको हदायत देता है उन निशानों के जरिए जो कि खुदा तला दिखाता है अपने उस माबूस किए हुए बंदे के जरिए जो अच्छा ठीक है जो उनकी वो जो जो सबसे किया है अच्छा। कि ईसाइत किस कदर जोरों शोर से दुनिया में फैल रही थी और खसूस इस खिते में बड़े बड़े जो आलिम थे वो ईसाई बन चुके थे और जहां तक इन्होंने ये कहते हैं कि जी पौधा पौधा का है तो जो बंदा इस अंग्रेजों का खुदा ही मार दे वो उनका लगाया हुआ पौधा कैसे हो सकता है तो बहुत शुक्रिया जजाकल्ला कैरी ऑन करें मैं इनशाला सुनूंगा तो फिर अगर मौका मिला तो बात करूंगा जी जजाक सो so, अब मीर साहब ये मैं आगे चलना चाह रहा हूँ एक बात तो ये है कि जो काम मसीह नसीम महदातम ने किया है वो इससे पहले कोई भी कर नहीं सका और आ, दूसरा बात यह है कि ये तो हमारा दावा है अजर नसीर भी इस जमाने के इमाम हैं और उनका दावा है कि अल्लाह ताला ने उनको भेजा है अब सवाल यह है कि हम किसको जवाब दे रहे हैं हम किसको जवाब दे ये जो मुर्तदीन है या एक्स एम और एंटी एम हैं हम हमें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इनको जवाब दें हमारा काम है कि हम जो लोग सुन रहे हैं जो हमारे जेर तबलीग हैं हम उनके लिए जवाब दें मगर ये समझते हैं ये बार बार ट्विटर पर कहते हैं आकर बार बार आपने प्रोग्राम बनाते हैं हमारा जवाब नहीं दिया हम हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया अब कैसे अ, 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 अब आपका क्या ख्याल है कि इनको कैसे जवाब देना चाहिए जी बहुत शुक्रिया दो बातें हैं एक तो हज़रत मसीह मौदा तो सलाम के पहले मैंने अर्ज़ किया कि उस वक्त के हालात बताते हैं मुबारक भाई ने भी ए, साथ उसके एडिशन किया कि जी उस वक्त के जो उल्मा हैं वो बताते हैं कि उन्होंने क्या खिदमत की है तो इसमें एक छोटा सा इजाफा मैं ये करना चाहता हूँ हज़रत मसी मौद तो ने क्या खिदमत की है वो किसी बंदे ने सियाने ने कहा था कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है हमारा एक जानने वाला है उससे किसी ने कहा जी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद काद्लाम की सदाकत की कोई दलील बयान करो उसने कहा मैं ज्यादा कुरान अदी इसकी दलीलें मंतक फलसफा तो नहीं जानता मैं एक सादा सी मिसाल तुम्हें देता हूं अगर समझ आ जाए नहीं तो फिर अल्लाह जाने और तुम जानो मिसाल उसने ये दी कि एक बंदा दावा करता है कि मैं टीवी मकैनक हूँ मैं टीवी ठीक कर लेता हूँ मेरा टीवी खराब हो जाता है मैं उस बंदे को लाता हूँ टीवी दिखाता हूँ वो टीवी ठीक कर देता है फिर खराब होता है फिर वो ठीक कर देता है किसी दूसरे का खराब होता है वो ठीक कर देता है तो वो अगर कहे कि मैं टीवी वी हूं तो उसका दावा मैं कैसे झूठा मानू तो इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं देवबंदी था तबलीगी जमात का बंदा और मैं शराब भी पीता था बदकारी भी करता था नमाज रोजा नहीं पढ़ता था मैंने जब अहमदियत कबूल की है मैं सारिया बदकारियां छोड़ चुका हूं शराब छोड़ चुका हूं तहजुद कभी नहीं छोड़ता नमाज कोई नहीं मैं छोड़ता तो मुझे बताओ कि एक बंदे का दावा है कि मैं मुस्लि हूं खुदा तला ने मुझे दुनिया की इसलाह के लिए भेजा है और मैंने जब उसे कबूल किया है मेरी इसलाह हो गई है तो मुझे बताओ कि मेरे लिए और कौन सी दलील है जो जरूरी रह गई है और क्या तुम चाहते हो कि मैं उसको छोड़कर वापस उसी गंद में आ जाऊं जब मैं शराबे पीता था जब मैं बदकारियां करता था जब नमाज नहीं पढ़ता था तब कभी तुम मेरे पास आके नहीं मुझे कहा कि तुम ये काम क्यों करते हो तुम ये काम छोड़ देना चाहिए अब जब मैं इन चीजों को छोड़कर एक साफ जगह पर आ गया हूं और एक असला के मुद्दे की असर के नीचे आने की वजह से उसकी तालीमत की वजह से मैं ये चीजें छोड़ चुका हूं अब तुम मेरे पास आए हो कि तुम क्यों इन चीजों को छोड़कर बैठे हो तो ये अक्लमंद के लिए वो कहते हैं नॉड फॉर दाइज एंड ए रॉड फॉर दर वाइज के जिसको समझना हो उसके लिए इशारा ही काफी हजरत वसीह महदलात ने फरमाया है एक निशान काफी है घर दिल में हो खौ। खौफ़ किरदार, ठीक है तो ये इसकी तफसील बयान की जा सकती है कि हजरत मुसीह मोदी ने क्या दिया है थोड़ी देर पहले मैं ये बात बयान कर भी चुका हूं कि हमारे अमल देख रहे हैं और इनके अमल देख रहे हैं हम अहमदी मुसलमान कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो तो ये नहीं सोचता कि जनाब ये साथ वाले घर में बंदा नमाज पढ़ने के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं लोग इनके जुल्मों सितम से तंग आकर अपने घरों के अंदर तो मैं अपने घर से कोई असला लू और इसको जाकर गली में नमाज पढ़ने से बाहर आने के वक्त कतल कर दूं ये कभी भी किसी अहमदी ने ना किया है ना ही वो करेगा ठीक है जी तो इन्होंने ये ये कर रहे हैं ये खुद इसको इस्लामी तलीम जुल्म से, से बड़ा जुल्मे है कि ये इस सख्त गंदे और कबी काम को रसुल करीम सल वसलम की मोहब्बत बनाकर पेश करते हैं तो ये फर्क साफ जाहिर है जिस तरह मैंने अर्ज किया कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है तो इनके जो अमाल हैं ठीक है जी इनके जो किरदार है इनके जो अकाद हैं एक तो होता है ना बंदा चोरी को गलत मानता है तो वो चोरी कर लेता है मसलन बरेलवियों में से कोई बंदा चोरी कर लेता है लेकिन बरेलवी चोरी को हलाल तो नहीं कहते ना तो वो एक एक्सेप्शन है वो उसको हम दलील नहीं बना सकते लेकिन एक चीज को ये दुरुस्त माने चीज को ग्लोरीफाई करें जैसे मुमताज कादरी का किसी को कतल करना हो जैसे उस बंदे ने अहमदी मुसलमान को शहीद किया जैसे ताहर नसीम को इन्होंने सिर्फ इसलिए मार दिया कित का दावा क्यों किया है भाई करता रहे दावा इबन सियाद ने वहां दावा किया कि मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद जाके उससे दलील पूछते हैं तुम्हारी न... इसकी क्या है उसको जाके कतल नहीं करते तो अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया है कि मोहम्मद का अमल तुम्हारे लिए नमूना है ये मोहम्मद को नहीं मानते ये अल्लाह को नहीं मानते ये मौलवी को मानते हैं इनका कलमा ही यह है लाला मौलवी और रसूल भी मौलवी ना ये अल्लाह को खुदा मानते हैं या अल्लाह भी मौलवी है इनका रसूल भी मौलवी है या इनकी नफ्स नفس की नफसानी ख्वाहिश आते हैं या दुनिया की मोहब्बत है तो ये मेरा ख्याल है इतनी तफसील काफी है दूसरा आपने फरमाया कि उसका जो गैर अहमदी है અને જો જો એક્સ એમ દી હે જો ઓન કે ઇતરાઝ દોનો 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 યે એક હી બાત હે વો ઉનમે કોઈ ફરક નહીં હે ઉનકે ઇતરાઝ વહી હે એ જો ગેર અહમદી જો જમાત કો છોડ કે જાતે હે યા જો ઉસ સે પહેલે ગેર અહમદી થે દોનો કે ઇતરાઝ તો વહી હે मैंने अर्ज़ किया कि इनकी पैदाइश से पहले के एतराज हैं जो इनके अकाबर झूठ बोल गए हैं धोखेबाजी कर गए हैं ये उसी धोखेबाजी को आगे फैलाने की नाकाम कोशिश करते हैं जिसको एक जाहल और बेकलो ही मान सकता है लेकिन जो बंदा बाशर है और थोड़ा सा इलम रखता है हमारी वीडियो सुनता है या हजरत मसी मौजूद की डायरेक्ट किताबें पढ़ता है हमारे खुलाफा के खुतबे सुनता है या उनकी वीडियो देखता है वो कभी इनकी गुमराही में फंस नहीं सकता फंसता वही है देखे किसी धोखेबाज के जाल में वही आता है जो धोखा खाना चाहता है जो अपने इलम में इजाफा नहीं करता जो अपने शूर को पालिश नहीं करता जो खुद मुतालिया नहीं करता तो खुदा तला तो फिर पूछेगा भाई क्यों तुम्हें अकल दे के भेजा तो इस्तेमाल ना की लेकिन हम अपना काम करते हैं उस सिलसिले में मैंने पहले थोड़ा सा, थोड़ी सी रोशनी डाली कि कभी भी बुनियादी अकायद पर यह बात नहीं करते फिर आपने सवाल ये किया एग्जैक्टली exactly, के जी जनाब इनका जवाब देना क्यों जरूरी है हमें किसी का अच्छा ये फिर ये कहते हैं जी तुमने हमारा जवाब क्यों नहीं दिया तो उस सिलसिले में अर्जी ये है कि पहले तो कोई ऐसा भी इत, इतराज करता ही नहीं है ना कोई कुछ को छोड़ने वाला ना कोई गैर कि जिसका पहले जवाब नहीं दिया जा चुका मिसाल के तौर पर ये आखिरी तो दो चार वीडियो मैंने इनकी देखी है जिनमें आपका भाई भी शरीक हुआ था वो था हजरत ईसा सलातम जो है उनकी अः का जो एतराज है कि हजरत ईसा सलात वाम की हजरत मसीह मऊद सलात वसलाम ने तोहन की है तो ये एतराज़ कोई आज इन्होंने तहकीक करके नया नहीं निकाला ये खुद हजरत मसीह मऊदात सलाम की जिंदगी में जो शैतान के वली थे ना कुरने करीम में पता चलता है कि बाद लोग अल्लाह के वली होते हैं और बाद शैतान के वली होते हैं वो शैतान के मिशन को आगे चलाने के लिए शैतान उनको वही करता है इहाम करता है और फिर वो उसके रस्ते पर चलते हैं और उसकी मदद करते हैं तो उसके जो वली थे वो हजरत मसीह मऊद सलाम के जमाना के अंदर ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था कि हजरत मसीह महोदम के खिलाफ झूठा और मनफी प्रॉपोगंडा बिल्कुल इनकी तरह करना शुरू कर दिया था कि ये हजरत ईसा सलाम की तोहिन करते हैं तो ये मैं आपको अभी जो आपका है व्हाट्सएप उस पर एक लिंक भेजने लगा हूं वो आप जरा स्क्रीन पर अगर दिखा सके तो साथ हम या दोस्तों को भी अगर वो स्ट्रीम के अंदर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं इसको खोल के जरा स्क्रीन पर शेयर करें ये जो अभी प्रोग्राम इन्होंने किए हैं इसके एक तो मैंने अर्ज किया है खुद हजरत मसीह मऊदलात तो तो वसलाम ने अपनी जिंदगी में जवाब दिया हुआ है इसका यानी कि जब कहते हैं कायल सबसे जब इनके आपस में बहस होती है ना तो ये कहते हैं जी जो बात लिखने वाला या कहने वाला है उसको सबसे ज्यादा हक है कि वो अपनी बात की वजाहत करे दोबारा मैं बताता हूं लोगों की तोज्जो शायद ना हो दोबारा में बताता हूं कि जो बंदा कोई बात करता है उसको सबसे ज्यादा हक है कि वो उसकी वजाहत करे तो हजरत मसीह महदलात ने यसू के बारे में जो बातें की हैं उसकी वजाहत खुद अपने कलाम में कर दी हुई है कि जिसके बारे में मैंने बात की है वो सारी बात यसू जो है उसकी बाइबल के हवाला से मैंने बात की है ये मैं आप दिखा रहा हूं जो वो देखें कि ये पांच प्रोग्राम है कम से कम पांच घंटे हमने इसका जवाब दिया नीचे से ऊपर को जाते हैं हिस्सा अवल उसके आखिर पे लिखा हुआ है ये पहला प्रोग्राम है इसमें वीडियो के अंदर हमने वजाहत से यानी पांच घंटे का जवाब है ये हजरत हजरतीसाला सलाम की तोहिन या गुस्सा करने का जवाब ये कहते हैं हमारा जवाब नहीं देते अब ये तो नहीं कि हर बंदा आए उठ के और वही इतराज दाग दे जिसका जवाब दिया जा चुका है तो हम फिर पांच घंटे की वीडियो इनके लिए बनाए पहली वीडियो जरा खोलें सबसे नीचे वाली जो प्रोग्राम नंबर एक है मैं मिसाल देने लगा हूं कि कौन सा ये देखें हिस्सा है इसको जरा चलाएं प्ले करें पता चलेगा कितनी देर की वीडियो है ये क्लिक करें अपले ये रेड बटन पे क्लिक कर दें सेंटर पे हाँ देखे दो घंटे छत्तीस मिनट की एक वीडियो है और ये पांच प्रोग्राम है ठीक है जी ये लिंक बेशक अपने वो कमेंट्स में भी भी शेयर कर दें नीचे स्क्रॉल करें जरा ये जितने भी हमने प्रोग्राम में हवाला जा दिए हैं सारे के सारे असल किताबों के स्कैन हमने साथ लगाए हुए हैं कोई एक भी हवाला हमने ऐसा नहीं दिया कि जिसका हमने असल किताबों का स्कैन साथ नहीं लगाया हुआ ये जहां रेड कलर का या पीले रंग का है ये जो आबाद है इनकी तफसील सारी उसके साथ अटैच वीडियो में मौजूद है कि ये क्या वजाहत की गई है मसलन मिसाल मैं आपको एक देता हूं कि ये आपके भाई जो है बशीर शाह साहब एक प्रोग्राम में गए और उन्होंने जाके जिस प्रोग्राम में बैठे थे उस प्रोग्राम के होस्ट जियारसूल साहब ने कहा कि हजरत मसीह मऊद ने अठारह सौ नब्बे में किताबें लिखना शुरू की उससे पहले कभी ईसाइयों क्रिश्चनों या हिंदुओं ने कभी इस्लाम की मुखालफत की ही नहीं थी अब ये उसकी लाइलमी हो सकती है जहालत हो सकती है या धोखेबाजी हो सकती है आपके भाई को बड़ी तहकीक का शौक है वो तहकीक करता है तो उसको ये है, ये सारी धोखेबाजी है ठीक है, है, है हम उसने जान, जान से काम लेते हैं अल्लाह का हुक्म है उसने जान से काम लो हो सकता है उस बेचारे को पता ही ना हो जाहिल भी तो हो सकते हैं ना ये कोई जरूरी तो नहीं क्यों हाँ हम कहते हैं जी उसने जान से वो जाहिल था या वो दो के है दोनों में से एक ही सूरत है अच्छा अगर वो सकता, तो सकता। हाँ, हूँ तहकीक करता है तो पहले इस पे तहकी करता और तहकी करके अगर वो उसको ये बात गलत मिलती तो उसके प्रोग्राम में बैठ के कहता कि तुम ये बात गलत कर रहे हो तो हमने इसमें इस एतराज इस का जवाब दिया हुआ है हमने साबित किया हुआ है कि हजरत मसीह मोदी सलाम की पेदाइश से पहले ही वो गुस्ताखी कर रहे थे और हजरत मुसीह मऊद सलाम की पहली किताब लिखने से पहले ही उनके खिलाफ जो है वो जवाबी किताबें लिखनी जानी शुरू हो चुकी थी तो ये जनाब पांच वीडियोस के अंदर कम से कम पांच घंटे और ज्यादा से ज्यादा दस घंटे का जवाब मौजूद है सिर्फ हजरत ईसा सलाम की तोहन का और इसमें वो गालियों वाला जवाब भी हमने दिया हुआ है कि गाली देते थे ठीक है एक बंदा आया इन्होंने प्रोग्राम किया ये मेरा ख्याल लास्ट सेकंड लास्ट प्रोग्राम है अच्छा ये इसमें ना बाज दफा वो मेरी वजह से मैंने कोई सेटिंग शायद चेंज कर दी है तो वो इस पर नहीं चलती तो वो क्लिक करें तो वो यूट्यूब पर चल जाती है बहरहाल वो सिर्फ मैंने मालूम के लिए बताया है वो ऊपर वैसे मैसेज इंग्लिश में आ जाता है तो अक्सर लोग इंग्लिश जानते हैं तो ये एक वेबसाइट है हवालाजार डॉट एहमदी मुस्लिम डॉट ए ये एच एच डॉट एहमदी मुस्लिम डॉट डे भी लिखेंगे तो वो फिर भी चल जाएगी ना तो उस उसपे और भी काफी मवाद पड़ा हुआ है और हम इस पर मवाद अपडेट करते रहते हैं और ये काफी सारी वेबसाइट हैं जो मैंने बनाई हुई है और उनका मकसद यही है कि हम वही चूंकि हमें पता है कि इनके पास गिन के बाद एतराजात हैं वही एतराज ए, ए ने भी करना है बी ने भी करना है सी ने भी करना है वो मी ने भी करना है शी ने भी करना है सब ने वही एतराज करने हैं तो हम एक के लिए अलग अलग दस घंटे की वीडियो तो बनाने से रहे इतना तो तो फ़ज़ूल टाइम हमारे पास है नहीं तो इसलिए हमने वो जवाबात से बनाने शुरू किए हैं कि पांच पांच दस दस घंटे की वीडियो में हम जवाब बना देंगे असल किताबों के स्कैन फ्राहम कर देंगे जिस बंदे के दिल के अंदर हक को तलाश करने की तड़प है वो जरूर यहां से देखकर हक को तलाश करेगा हाँ इसमें कोई हवाला गलत हो कोई हवाला अमेंड किया गया हो उसका मतलब गलत लिया गया हो तो आप जरूर उस पर कमेंट करें हमारे इस वीडियो के ऊपर वीडियो बनाएं हमें कोई इतराज़ नहीं हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं लेकिन ये झूठ बोलना आवाम को यह कहना कि कभी जवाब दिया ही नहीं इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता नहीं कोई ऐसा ऐतराज नहीं है इनका जो आज ये पेश करते हैं और जमात अहमदिया इससे पहले उसका जवाब नहीं दे चुकी जी आप अभी मजीद कुछ कहना चाहते हैं तो जी अल्लाम अच्छा ये अली भाई आए हैं इनको मैं ऐड करता हूँ शायद शायद इनके पास कोई सवाल है या कोई बात करना चाहते हैं जी अलैक्म अली भाई आप प्रोग्राम में आए हैं आपका कोई सवाल है अच्छा इनको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए बात जारी रखें अनम्यूट पता ना हो वो दफा नए बंदे होते हैं तो इनको अनम्यूट कर आप करें या आप कोशिश करें सलीम भाई क्या चले ठीक ठाक है आप लोग जी बिल्कुल जी जी मैं खाली सुनने के लिए बस बैठा हुआ था बाकी मेरे का सुन लेते हैं अगर कोई सवाल अच्छा ठीक है ठीक है अगर सवाल हुआ तो पूछ लेना ठीक है जज जी मुबारक साहब आप कोई बात करना चाह रहे थे कोई इससे मजीद जी बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल है कि काफी आ, मुफसल जो हमीर साहब ने बयान कर दिया है बात यह है कि आ, ये कहते हैं कि हमें ये जवाब नहीं देते तो इसमें देखें बात अपने अकीदे के मुताबिक या अपनी समझ के मुताबिक या जो अपनी मर्जी है उनकी उसकी उसके मुताबिक इनको जवाब नहीं मिलता अदरवाइज हमने जो खुदा तला का हुक्म है कि कुरान से फैसला लो तो हम तो कुरान की तालीम पर अमल करते हुए खुदा तला के इस हुक्म पर हुक्म को बजा लाते हुए कुरान के तालीम के मुताबिक और कुरान से मिसालें देकर हम जवाब देते हैं और जो इतराजात ये जाती तौर पर हजरत वसीमत मिर्जा साहब पर करते हैं उसको हम पहले अम्बिया की जैसा कि देखें हम हम तो हजरत मिर्जा साहब को नबी मानते हैं खुदा तला के, के नबी हैं वो तो फिर लाजमी बात है कि उनको हम नबियों पर ही परखेंगे और फिर वही एतराज को हम देखेंगे कि क्या पहली पहली मुख, मुख, मुखालफी ने भी वही इतराजा किए हैं कि नहीं और आप यकीन जानिए कि हर वो एतराज़ जो ये हजरत मसीमलाम पर करते हैं वो पहले अंबिया के ऊपर मुखालफिन ने किए होते हैं और बिल्कुल नाजायज और जाती अनाद और आ, मुखालफत के नतीजे में जो आ, जो बुग्स के नतीजे में आ, इनके अंदर से निकलता है वो वो बिल्कुल वही तो पहले मुखालफी के तर्ज अमल से साबित होता है तो जब हम इनको वो दिखाते हैं तो फिर इन ये कहते कि नहीं हम क्योंकि हमने ये मिर्ज़ा साहब पे किया है तो आप उसका जवाब अलग से हमें अलहदा दें ना के उस तकड़ी में उस तराजू में तोल, तोले जो अंबिया के परखने का तराजू है तो ये अपने मैार बनाकर अपनी मर्जी के जवाब जो लेना चाहते हैं लाजमी बात है कि हम कुरानो हदीस से हट कर वो नहीं दे सकते वो और, और उसके नतीजे में ये कहते हैं कि हमें वो जवाब नहीं देते और या जवाब नहीं मिला तो ये वो बात है जो असल में जो 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 इनको कहनी चाहिए जो जो ये नहीं कहते बाकी छोटी सी बा, मैं अर्ज और करना चाहता हूं कि कभी आपने सुना है कि कोई नबी आया हो और उसने तोहिद की दावत देने की बजाय किसी की मुखालफत को मेन काज रखा हो कि हाँ इनको तबाह करो इनको बर्बाद करो इनके आगे बंद बांधो इनके ऊपर पाबंदियां लगाओ इनकी बुराइयां निकाल निकाल के अपनी मर्जी से तोड़ मड़ोड़ कर इनकी तहरीरों को पेश करो और लोगों को इनसे दूर करो ना के ये के खुदा तला की तोहद बयान करो और अल्लाह तला की तरफ लोगों को लेके आओ कहीं कहीं एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर या जो कुरने मजीद में जिन पैगंबरों का जिक्र है क्या उनकी तो ही उनकी तालीम में से कोई ऐसा शायबा तक मिलता है या बिल्कुल इसके मुखालिफ मिलता है कि जो भी नबी आया उन्होंने जो है वो खुदा तला की तोहीद बयान की और जो खुदा तला की तरफ से हुक्म उतरा उसकी जो है वो अवेयरनेस दी जो जो वाम है जो बनी नो इंसान है उसको और खुदा तला की उतरी हुई किताब की तरफ बुलाया तो लाजमी बात है आपको ये फैसला बिल्कुल आ, आ, रोजे रोशन की तरह मिल जाएगा कि बिल्कुल उस तालीम है या खुदा जजाकल्ला जजा। जजा जजा अच्छा ये मैं बात बस थोड़ी सी करना चाह रहा था जो हजरत मसीमत आई है मीर, मीर साहब जब हजरत नसीम आए हैं उनकी तो उठना बैठना हर वक्त हजरत ईसा आल्लाम के मतलब बात होती थी सो उन्हें तो हर वक्त बात करनी थी हजरत ईसी के मतलब और उनके महालफ बैठे हुए थे ये असाई जिनकी हब, ह, हबार थी नूर इशफान मेरा है और उसमें वो बहुत मुहालफ बातें थी और हर वक्त हजरत मसीमत को मौका था मिलता था कि बात करने का ईसा ईसीम के मतलब ये इनका इतराज जो है कि की जरूरत सी उर्दू मैं पंजाबी मैं में कहता की जरूरत इस्लाम की वो आ, हर वक्त ये बात करें हजरत मसीम के मतलब और मैं ये शेयर करता हूँ आपकी वेबसाइट आप इसका जवाब दें नजर आके जी ठीक है बहुत शुक्रिया अच्छा इस सिलसिले इस में अर्जी यह है कि जरूरत ही का ये जवाब है कि क्या जरूरत हैजरत वाल हजरत ईसा का जिक्र करने की जरूरत इसलिए थी कि उस वक्त के जो लोग थे वो ए, उस वक़्त के हालात का पता होना चाहिए क्योंकि जब किसी चीज की हकीकत को जानना हो तो उसके साथ दो चीजें मुतल होती हैं टाइम एंड स्पेस वो जगह कौन सी थी और वो वक्त कौन सा था जमाना क्या था उसके हालात क्या थे वो समझना बहुत जरूरी है तो अमूमी तौर पर तो लोग आवाम नहीं जानते क्योंकि वो पढ़ती नहीं है ना ही वो आजकल दिखाया जाता है टीवी ड्रामों के अंदर या कोई, मालूम आती, कोई चैनल्स के ऊपर कहीं भी वो मालूम नहीं दी जाती कि उस वक्त क्या हालात हाँ, है गुमराह करने के लिए लोगों को और जान बोले जाते हैं तो उस वक्त के जो हालात थे वो ये थे कि अंग्रेज का दौर था उसने मजहबी आजादी दी हुई थी यानी हर मजहब का बंदा अपने मजहब की तबलीग करे वो पाकिस्तान की तरह नहीं था कि आप तबलीग करें और इनकी किताबें बैन कर दे इन पर पाबंदी लगा दे और इनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा प्रावेक इस तरह का नहीं था उन उसमें आजादी थी उसमें ईसाइयों को भी तबलीग की आजादी थी मुसलमानों को भी आजादी थी हिंदुओं को भी आजादी थी हर बंदा दैरिया था कोई हर जो मर्जी आजादी थी उनको वो अपनी तबलीग कर सकता है जिस तरह ये यूट्यूब जो है ये भी ज्यूज का है यहूदियों का है लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि सिर्फ यूज इस पर तबलीग कर सकते हैं या बात कर सकते हैं तो अहमद ही नहीं कर सकते या मुसलमान नहीं कर सकते उन्होंने ओपन फोरम दिया है जिसका जो दिल करता है बात करे कोई के खिलाफ भी बात दफा लोग बात कर रहे होते हैं तो वो इसको चलने देते हैं इसी तरह उस हुकूमत के अंदर भी क्रिश्चनों को भी आजादी थी मुसलमानों को भी आजादी थी हिंदुओं को भी आजादी थी कि वो जो मर्जी बात करें हाँ उसमें फिर वो ना इंसाफी करते हुए तो अमेज लहजा भी इख्तियार करते थे हजरत मोहम्मद सल्हुहसम के बारे में तो अब वो वक़्त चल रहा था तो अल्लाह ने हजरत मसीलाम तो को भेजा कि जाकर इस्लाम का दिफा करें तो हजरत मसीह ने इस्लाम का दिफा किया हज़रत का या यसू का जिक्र करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लाम को के बारे में कहते थे कि वो निजात दहिंदा नहीं है यानी कि नबी करीम सल्ला वसलम की पैरवी से निजात नहीं मिलती यसू की पैरवी से निजात मिलती है इसलिए वो हजरत नबी अक्रम सल्लाम के बारे में इंतहाई घटिया और झूठा प्रापे गडा करते थे मेरे पास सारे हवाले पड़े हुए हैं हवाले वहां मैंने आपको दिखाए भी हैं वहां गैर मुस्लिम जो इतराज करते थे बाज किताबों के अंदर इन्होंने जवाब देते हुए गैर अहमदियों के काबर ने वो हवाले भी लिखे हुए हैं जो नबी अक्रम सल्हेम के बारे में क्रिश्चन जुबान इस्तेमाल करते थे वो आप पिछले वाली वेबसाइट दिखाएं ये वाली वेबसाइट का मैं तारुफ करवाता हूँ जो पहले मैंने आपको दिखाई थी अबाराल ये देखें ये उसमें ले जाए उस पर ले जाए वही जो अभी आप दिखा रहे हैं। ये जो वेबसाइट है ना इसका एड्रेस है एस एस डॉट एम दी मुस्लिम एस फॉर सर्च ना एस एस डॉट एम दी मुस्लिम डॉट डी ये गूगल की तरह का एक सर्च इंजन बनाया हुआ है खाकसार ने मैंने यानी कि बनाया हुआ है तो इसके अंदर ये चार वेबसाइट्स जो उसके उपर, उसके ऊपर लिंक दिए हुए हैं उनमें डाटा सर्च होता है आपका कोई एतराज हो उसका जवाब आपने ढूंढना हो वो जिस तरह गूगल पे आप लिखते हैं आप इसके अंदर लिखते हैं तो इन चार वेबसाइटों के ऊपर से वो इतराज का जवाब सर्च करके आपको दे देगा यानी कि अगर पब्लिक में किसी ने इसको ढूंढना है या जो गैर अहमदी कहता है जी मेरे ऐतराज का जवाब नहीं मिला वो इसमें ऐतराज लिखे और उम्मीद है कि ननानवे शारी या नानवे फीसद इसमें जवाब मिल जाता है उनके हाँ, उसमें हम इनसे उस इन हारे हुए हैं और हमसे इनसे जीतना चाहते भी नहीं ये जो वेबसाइट अभी आपको नजर आ रही है ना ये जमात अहमदिया की जो चोटी की किताबें हैं जो गैर अहमदियों के एतराज के जवाब में लिखी गई है ये पहली पे क्लिक करें जो पाकिट बुक है ना लेफ्ट वाली सबसे ऊपर वाली कोने वाली इसमें पढ़े पहले क्लिक करें ग्रीन पे मैं चूंकि पाकिस्तान में वालों के लिए ज्यादातर काम करता हूं तो मेरा तकरीबन सौ फीसद काम उर्दू में है यानी मैं उर्दू आपके पास उर्दू की बोर्ड होना चाहिए और उर्दू में सर्च होनी चाहिए उर्दू पढ़नी आनी चाहिए यही काम मेरा दिल करता है कोई अंग्रेजी में भी करे यानी मैं उसको तरीका भी बता सकता हूँ सारा कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं अकेला होने की वजह से चूंकि काम बहुत ज्यादा होता है आ, तो इसलिए वो मैं सारा कुछ नहीं कर सकता यानी कि दुनिया की हर जुबान में इस तरह का चर, ये होना चाहिए ये साइड पे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है इसका इंडेक्स है ये वाला ये ऊपर सर्च वाला ग्रीन जो जगह है ना वहां आप लिखेंगे ना मसलन मसलासू लिखें या ईसा लिखें तो उसके मुतल ये फिर फिल्टर होता है ये राइट साइड वाला किसी पे क्लिक करें मसलन कोई कोई भी क्लिक करें तो ये वो वाले इतराज का जवाब आपके सामने आ गया है वो शरीयत लिखी शरीयत बाबिया ने शरीयत मोहम्मदिया को मंसूख कर दिया इसमें भी हर एतराज का जवाब मौजूद है ये पाकिट बुक है और ये एक किताब का इंडेक्स है अगर आप वापस जाए इसे पिछले पेज पे जाए जो लास्ट पेज पे थे आप इसमें इसके ऊपर सर्च की ऑप्शन है उसमें चले जाए ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करें ये ब्लू कलर का जो है ना लिखा है फेहरिस्त मज़ामीन में तलाश करें इसमें क्लिक करके आप यसू लिखें या तोहन लिखे उर्दू नहीं लिख मेरा ख्याल उर्दू नहीं लिखी जाएगी इसमें आपसे ना हाँ मेरा उर्दू की नहीं है ये भी मैं भी लिख के आपको भेजता हूँ इसको कापी पेश कर ले वहां ठीक है या शायद हाँ बिल्कुल इसको कॉपी पेस्ट करके तो फिर वहां एंटर करें तो वो लिखी जाएगी यानी कि इस तरह आप कर सकते हैं तो आप हाँ ये देखें ये अभी सारी किताबों के अंदर से वो सर्च करके ले आया है जहां जहां तोहिन का इतराज का जवाब है आम दिया पाकिट बुक में से आम दिया तलीमी पाकिट बुक से ये जमात के मुख्तलिफ दो तो बड़े बड़े बुजुर्गो ने लिखी है फिर तफीमाते बड़ी जबरदस्त किताब है ये सारी मुखालफीन के, के जवाब में लिखी गई हैं खत्म नबूत पर लिखी गई हैजरत मसीम की जात पर, पर इतराज़ा के जवाब में लिखी गई हैं और जमात अहमदिया के अकायद को वाजे करने के लिए लिखी गई है ये शैतान के चेहले किताब है और ये देखे उन्नीस सौ चौहत्तर में जो इन्होंने हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की जिसमें हमें काफिर करार या गैर मुसलम करार दिया गया उसमें हजरत खलीफत और मिसालस पेश हुए थे तेरह सौ सफे की वो कार्रवाई या पहला हिस्सा हमारे मुतल है जो जीरा हुई थी हजरत खलीफत सनी के ऊपर तो अच्छा तो आपने टेक्स्ट किया है वो मैंने पढ़ लिया है उस पर बाद में बात करते हैं तो ये उस कार्रवाई को भी सर्च खाकसार ने बनाया है कि उसमें से अहम हवाला जात निकाले हैं जितने भी ये इतराज करते हैं सब जवाब खुद हजरत ने भी दिए हुए हैं कोई ऐसा तोहिन ईसा का इतराज कब्रों में ये जनाजे ना कोई ऐसा इतराज नहीं जिसका जवाब उन्होंने दिया और ये सारे सर्चेबल बना के यहां रखे किसी के ऊपर भी क्लिक करें ब्लू वाली किसी के भी ऊपर क्लिक करें ये ये चौहत्तर की कार वाले पे हाँ ये देखें ये अब किताब खुलेगी और किताब का वो वाला पेज भी खुल जाएगा जिसके ऊपर ये ए, वो उसको कुछ हुआ है आपके इसको ना ब्राउजर को कर काटे ये वो सफा खुल गया है ठीक है जहां इतराज का जवाब होगा तो ये आपकी सहूलत के लिए बनाया गया है जो यूजर है वो अहमदी मुसलमान है गैर अहम ये रहने दें इस तरह ना करें इसके अंदर ही सारा सिस्टम मौजूद है जो ये व्यूअर है ना उसको रिसेट कर लें इसके आप देखें इस, पहले तो सिंगल सफा कर दें इसको नीचे से जो नीचे देखें ना नीचे इसके बॉटम पे राइट साइड पे ये फिर आप ऊपर इसके है जूम करने वाला ऊपर राइट साइड पे जहां शेयर करने वाली ऑप्शन है ना नहीं इसको स्क्रोल करें पेज को ऊपर इसको नहीं पूरे पेज को ना पूरे पेज को ये ये आप सिर्फ उसके अंदर स्क्रोल कर रहे हैं बिल्कुल राइट साइड पे जाए बिल्कुल राइट साइड पे एक स्क्रोल बार है बिल्कुल राइट साइड पे हाँ ये ये देखे ना यहां से अगर आप बड़ा करना चाहें तो इस तरह आप फुल उसको करके पढ़ सकते हैं बल्कि ये हाइड भी कर सकते हैं राइट साइड पे रेड कलर का बटन है फेरिस छुपाए राइट साइड पे आपको हाँ इस पे क्लिक करें तो वो बड़ा हो जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये मतलब एक सहूलत बनाई है ये सारा मैंने खुद ही बनाया है ये मैंने आर्क डॉट वालों का बुक रीडर इस्तेमाल किया है और वहां ऊपर पेज नंबर भी आप देख सकते हैं ये आपकी सहूलत के लिए तकरीबन हर ऐतराज का जवाब इसके अंदर मौजूद है और ये एक वेबसाइट है इसके अलावा बहुत सी किस्म की वेबसाइटें बनाई गई हैं जिनका मकसद यही है कि कोई भी एतराज कोई करे उसका जवाब ऑलरेडी वहां मौजूद है तो अगर आप में से कोई वक़्त दे सकता है तो वो ये भी कर सकता है कि इस किताबों के अंदर से ही आप एतराज आज के जवाब लोगों को पढ़ के सुना दिया करें कोई ऐसा एतराज नहीं ये देखें साद हुसैन अस्तदार गिरे बानम ये ऐतराज करते हैं मोहम्मद फिर हम में ये ऐतराज करते हैं हर एतराज का जवाब यहां मौजूद है हां एक और मैं आपको चीज दिखाऊं आप अभी इसको क्लोज कर दें, वो दोबारा उस वेबसाइट में जाएं जो पहले आपको भेजी थी यह. एच एच डॉट एम दी मुस्लिम डॉट ए ये आई पी डी एफ है ये एस एस है आखिर पे देखें शायद हो। आप लिख लें एच एच डॉट एम दी मुस्लिम डॉट ए डॉट डी इसमें अब ये देखें ये शुरू में अहमदिया पॉकेट बुक ही है इसके नीचे स्क्रॉल करें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें ये देखें इसमें हजरत मसीह ये ऊपर थोड़ा सा से, ये सेंटर में जहां मैसेजेस हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर ये लिखा सदाकत हजरत मसीह मोदला क्लिक करें इसमें हजरत मसीह मौद्लाम पर जितने भी एतराजात हुए हैं वो तीन कैटेगरीज में अहमदिया पाकिट बुक लिखने वाले जो बुजुर्ग थे उन्होंने डिवाइड किए हैं हजरत मसीह पहले तो तीन सेक्शन है दलायल सदाकत मसीह मौद्लाम फिर है आपकी ज़ात पर एतराज फिर है तहरीरत पर एतराजात क्लिक करें इसमें जो तहरीरात पर मशहूर मशहूर एतराज हैं सब दिए हुए हैं देखें ऐतराज छियालीस फोर्टी सिक्स एतराज के जवाब हैं मुसीह मोहद्लाम ने जहाद को मनसूख कर दिया अब उसके अंदर जाए मिसाल के तौर पर क्लिक करें अब ये इतराज का जवाब टेक्स्ट की शक्ल में पड़ा हुआ है अगर आपको फेसबुक के ऊपर कोई एतराज करता है यहां से आए टैक्स कॉपी करें और वहां जाकर पेश कर दें या इसका लिंक ऊपर से लें और वहां पेश कर दें वो लिंक से ये होगा कि वो वेबसाइट पर आके ये इतराज का जवाब पड़ेगा इसके अलावा दूसरे ऐतराज के जवाब भी पढ़ सकता है मजीद मालूम हासिल कर सकता है अगर आप उसको तो कॉपी करें ऐतराज भी साथ कॉपी करें और वहां जहां भी आप जाना चाहते हैं ट्विटर पर तो वो थोड़ी लिमिटेड सी रहता है वहां आप लिंक शेयर कर सकते हैं अगर फेसबुक है या आप खुद देखें अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आप एक कैटेगरी बनाना चाहते हैं कि सर्चेबल हो जाए चीज तो पूरा ऐतराज और जवाब दोनों कॉपी करके वहां पेश कर दें अपनी पोस्ट के अंदर तो वो अगर आपका कोई ग्रुप है आपने पेज बनाया हुआ है तो वो सारे का सारा वहां कॉपी हो जाएगा और ये गूगल को मदद करता है इन जवाबों को इतराजों को कैटेगराइज करने में तो उससे ये यानी कि काम है जो आप लोग जो बात सुन रहे हैं वो भी कर सकते हैं हम अगर लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं वक्त दे रहे हैं इतनी मेहनत करके चीजें तैयार कर रहे हैं तो आपका भी ये काम है कि आप इसको शेयर करें जो हमारे गैर हमदी भाई देख रहे हैं या गैर मुस्लिम है या क्रिश्चन है धैर्य है वो भी इसका मुताया कर सकता है अगर उसको ये चीज गलत लगती है तो मैं आइडेंटिफाई करवा सकता है कि ये चीज यहाँ गलत लिखी है इसका जवाब दें लेकिन हमने हर तकरीबन ऐतराज जो मशहूर है जो किया जाता है आप जहां भी देखें इन एतराजात के अंदर से ही ऐतराज होगा उसका ऑलरेडी जवाब मौजूद है अगर कोई कर सकता है तो बेशक इन एतराजात को इन्हीं किताबों के अंदर से देखकर उसका जवाब बनाए ये बाकी सेक्शन में कुछ नहीं है फिलहाल चूंकि वक्त मेरे पास लिमिटेड ही होता है तो जितना मुझसे हो सका है क्योंकि हजरत मुसीम के पर ज्यादा इतराज करते हैं तो वो मैंने इसमें टैक्स की सूरत में रख दिए हैं ये पूरा टैक्स पाकिट बुक का मेरे पास पड़ा हुआ है और वो मैं ऐसा ऐसा इसमें कैटेगराइज करके डालता रहूंगा तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि कोई ऐसा इतराज़ नहीं है आपने कहा जी हम इनका जवाब क्यों दें हम इनका जवाब दे चुके हैं और दे रहे हैं और देते रहते हैं ये अगर खुद ला इलम है कि कहाँ जवाब दिया है कौ, किस कौन बंदा नहीं जानता कि पाकड़ बुक के अंदर जवाब मौजूद है कौन सा ऐतराज है जिसका जवाब नहीं मौजूद फिर कौन ये नहीं जानता कि ये सारी किताबें जो IPDF, पहली पहली वेबसाइट दिखाई मैं सिर्फ किताबों के नाम इनको पढ़ के सुनाऊ जो वहां पड़ी हुई है जो इससे पिछली है ये वाली आ, नहीं इसी पे जाए नहीं उसमें आप सर्च किया ना बैक करें थोड़ा उसको वेबसाइट बैक करें ये इसमें आप किताबें देखें कौन कौन सी हैं ये अहमदिया पाकड़ बुक है इसमें हर किस्म के इसमें क्रिश्चन को भी जवाब है मुसलमानों के तराज के जवाब है, है मुसलमानों के कायद के दलायल हैं सारा कुछ मौजूद है ये दूसरी किताब भी इसी तरह है लेकिन ये दूसरे आलम ने लिखी है ये नजीर थे रामुलाल है, उन्होंने लिखी है उसके बाद मतलब लंबी तफसील है वो हर बंदा जाके आई पी डी एफ डॉट एम डी मुस्लिम डॉट ए पर देख सकता है तो ये सारी किताबें इनके जवाब में लिखी गई है ये कोई हमने रद्दीमे बेचने के लिए नहीं लिखी ये लिखी हुई है अब आपके इलाम्बे नहीं तो हम क्या करें आप मुता करें तो ये तो नहीं कि हम हर चीज का हर रोज बैठ के आपको जवाब देते रहे और देते हैं फिर भी देते हैं आप इसको कहते हैं तमाम करना। हम उज्जत तमाम करते हैं कोई ऐसा कोना खुदरा हम नहीं छोड़ते जिसपे आप कल को हमें कह सकें जी आपने जवाब नहीं दिया ठीक है आजकल आप डिस्कस कर रहे हैं आपका भाई जिस प्रोग्राम में जाके बैठा हुआ था कल परसों उसमें ये जिसका सो रहा है जी हजरत मुसीह मोहदला तोलाम सख्त जुबान इस्तेमाल करते थे उसका जवाब हम दे चुके हैं हम इनशाला उस पर अलग से एक पूरी जिस तरह मैंने आपको दिखाया है कि हमने पांच दस घंटे की एक पूरी सीरीज तैयार की थी इसके जवाब में तो हम गाली का एक जवाब के भी उसका भी हम सीरीज तैयार करेंगे एक बंदा मेरे पास आया वो कहता है जी गाली दी है सर मारता रहा है उसका जवाब नहीं दे सका मैंने कहा भाई गाली की तारीफ कर दो यानी कि अंग्रेजी में कहें तो डिफाइन कर दो कि गाली होती क्या है मुझे लिख दो यहां फिर उस उस तारीफ के मुताबिक हम कुरान को हदीस को तुम्हारे उल्ला को हर बंदे के कलाम को परख लेंगे हजरत मसीह सलाम तो के कलाम को भी परख लेंगे पता चल जाएगा कि गाली कौन देता है और गौर गाली नहीं देता वो दिन और आज का दिन वो बंदा उस गाली की तारीफ नहीं कर सका और ये हर एक को मेरा चैलेंज है जो गाली की गाली का इल्जाम लगाता है कि गाली की तारीफ तो मुझे करके बताए फिर उस गाली की तारीफ के मुताबिक वो कैसे ये साबित करेगा कि हमारे उलम उसने कहा किया ये कि अपने प्रोग्राम में कहा जी सनाउला अमृतसरी साहब ने कोई गाली नहीं दी और मुसीह महमद ने मुखालिफीन को गाली गलोज की है सख्त जुबानी इस्तेमाल की है तो देखे हमारे आलम इतने अच्छे और नेक थे और उन्होंने उसने मुकाबला किया तो मैंने कहा भाई पहले म्यार मुतन करो जब भी हम किसी चीज को परखते हैं जब तुम इल्जाम लगाते हो उस चीज को डिफाइन कर लो जब तुम गाली को डिफाइन कर लोगे उसकी तारीफ कर लोगे उसके मुताबिक हम सुनाउलामरसरी को भी परख लेंगे उसके मुताबिक हम मिर्जा गुलाम अहमद कादे यानी मसीह मादी अला सलासलम को भी परख लेंगे फर्क दुनिया के सामने आ जाएगा लेकिन उसमें यह जुरत ही नहीं हुई कि वो गाली की तारीफ ही कर सके यही चैलेंज मेरा सबको है जब भी वो ये तारीफ करेंगे वो नामुमकिन है कि उनके अपने मौलवी उसमें ना पड़े। मसलन हजरत मसीह मौत के बारे में कहते हैं कि इन्होंने लोगों को यह गाली, गाली है तो लंबी लिस्ट शाय की हुई है। और उनमें से कौन सा लफज है जो इनके मौलवियों ने हजरत मसीह मोदी सलाम के बारे में इस्तेमाल नहीं किया और कौन सी गाली है जो खुद बैठकर अपने चैनलों पर हजरत मसीह मदलाम को नहीं देते इनके उलमा उलमाए सू बुराई के उलामा वो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर चढ़ी हुई है माइंडर शर्मीर यूट्यूब का जो चैनल है उसने कहा कि अल्लाह ने भी कुरान में गालियां दी हैं और रसूल ने भी गालियां दी हैं उसने सख्त जुबानी का लफज इस्तेमाल नहीं किया वो मौलवियों का बरेलवियों का बहुत बड़ा आलिम है वो ठीक है जी और वो कहता है अल्लाह ने भी गालियां दी हैं कुरान में और ये कहता है बुखारी मेरे सामने पड़ी है खुद मोहम्मद ने भी गालियां दी है अपना तो हाल ये है ये इजामी जवाब हो गया वो तहकी जवाब था कि अपना हाल ये है खुद खादम रिजवी के बारे में मेरा चैनल पिछला जो माइंड का था वो बंद हो गया था उसकी सबसे ज्यादा टॉप रैंकिंग जो दो मिलियन व्यूज थे जिस वीडियो थे कि उसका टाइटल था खादम हुसैन रिजवी की ताजा और नायाब गालियां और ये पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनलों पर ये इशू चलता रहा है और कौन बंदा इसको नहीं जानता कि वो गालियों में मशहूर था मरने से थोड़ी देर पहले खादम शहन रिजवी साहब ने कहा कि ये जो वहाबी हैं इनकी अजान तो अजान ही नहीं है और इनकी जो ए, ये वहाबी तो सूअरों के सुअर हैं आप बताएं इनको ये गाली नहीं लगती ये इनको बड़ा नेक काम लगता है ठीक है जनाब और फिर इलियास घुमन साहेब है देवबंदियों के बहुत बड़े आलम है अपना मदरसा चलाते हैं पीरी मुरीदी भी करते हैं और मुनाजिर हैं देवबंदियों के उन्होंने वाकया सुनाया एक औरत का और उसका नतीजा यह निकाला इलियास गुमन साहब ने उनकी वीडियो सारी मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है मैं उसके क्लिप भी चढ़ा देता हूं अपने चैनल के ऊपर ताकि इनको आईना दिखाया जाए और हम आईना दिखाते हैं तो वो कहते हैं आईना जो दिखाया इनको तो बुरा मान गए फिर बुरा मान जाते हैं जी हमें यह क्यों दिखाया है कि वो कहते हैं कि वहाी जो है सौ सूअर मारो तो एक वहाी बनता है तो ये तो इनकी अपनी जुबान अहमद रजाखा बरेलवी साहब ने जो बाकी सब फिर देवबंदी वहाबी शिया के बारे में जुबान इस्तेमाल की है उसको ये गाली नहीं समझते क्यों वो हकीकी तौर पर इनको जो है वो बदकार मर्द और औरत और की नाजायज औलाद कहता है फतावा रिजविया के अंदर ये बात लिखी हुई है और ये एक मिसाल है फतावा रिजविया की तीस जल्दे हैं आप सोचें उसमें से कितनी मिसालें दी जा सकती हैं तो वो यसू का एक और लिखा है बाइबल के अंदर के लोगों को दूसरे की आंख का तिनका नजर आता है लेकिन अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आ सकता आ, आ, आता तो उन वो कहते हैं पहले अपनी आंख का शतीर निकालो ताकि तुम दूसरे की आंख का तिनका निकाल सको ठीक है खुरम भाई आगे बात मजीद चलाएं फिर करते हैं जी। जी आ, जी असल दस मिनट आखिरी दस मिनट में थोड़ा सा वो खलीफा के मुतल बात करते हैं मगर मुबारक साहब अगर आपके आपको बात करना चाहते हैं इसके, इसके आप कर सकते हैं अभी एक एक दो मिनट में और फिर हम आ, फाइनल बात ये हलीफा इस्लाम का जो मसला था इसके मुतल बात करेंगे जी जरा बहुत शुक्रिया मीर साहब ने जो बात बयान की है उससे उसमें थोड़ा सा मैं आ, इजाफा करूंगा वैसे तो बहुत ही तफसील के साथ उन्होंने माशाल्लाह बात को बयान कर दिया है कि जो इतराजात ये करते हैं जो ये बातें बनाते हैं तो क्या कभी इनसे किसी ने पूछा है कि वो कहाँ से लेते हैं अगर ये हजरत मिर्जा साहब की कुतब से लेते हैं तो फिर उन कुतब को क्यों पाबंद किया हुआ है कि कोई भी किसी के पास भी, भी अगर वो किताब निकल आएगी तो उसको तीन साल की कैद है और उसको वो सजाएं दी जाएंगी कि वो वो शायद उसकी जमानत भी ना हो कुछ कुछ ऐसी सजाएं भी हैं तो क्यों क्या वजह है कि ऐसी कुछ किताबें जो मिर्जा साहब के अपने ही खिलाफ जाती हैं उन किताबों को बैन कर दिया गया है कि वो शायद ही नहीं हो सकती क्या अकल इस बात की को तस्लीम करती है कि जो खुद किताबें खुद जो है वो मिर्जा साहब के खिलाफ अगवाई दे रही हैं उनको जो है वो शाया करने की बजाय लोगों के पास पहुंचाने की इनका तो फर्ज बनता है कि वो किताबें अगर इस कदर भयानक हैं तो वो ये घर घर जाके हर बंदे को जाके दें कि इनका करें देखें मिर्जा साहब ने क्या लिखा है लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल इसके मुखालिफ है उन किताबों को बंद कर दिया गया है असल बात यह है कि जो ये एतराज बनाकर पेश करते हैं जो ये पिछले एक साल से एतराजा पेश कर रहे हैं परचियां जो तोड़ मरोड़ कर हिस्से बयान कर रहे हैं वो जो आ, उस, उनकी असल हकायक जो है उसका लोगों को पता चल जाएगा इस बात का इनको खौफ है कि असल हकीकत वहां लिखी क्या है वो लोगों को पता चल जाएगा लोगों को तो ये कहते हैं कि हम जो हैं वो मिर्जा साहब की किताबें रख सकते हैं और अपनी जो अलमारियां हैं वो भरी हुई हैं वहां अपने पास सारी किताबें रखी हुई हैं वहां इनके ऊपर वो कोई बैन नहीं है कोई इनके ऊपर वो आयन जो है यो, जो सजाएं हैं वो लागू नहीं होती लेकिन जिनके जो उनको नबी मानते हैं जो उनको उनके पैरोकार हैं उनके घर में अगर किताब होगी तो वो उनके ऊपर आयन भी जो है वो अफेक्टेबल होगा और उसके जनाब वो कानून के तहत उनको सजाएं भी मिलेंगी ये कैसा काला कानून है और ये कैसी उल्टी गंगा बहती है इसकी तो हमें समझ आज तक नहीं आई अगर किसी को आए तो वो जरूर बताएं और दूसरी बात यह है कि जो अः पाबंदियां रसूल करीम वसल्लम के दौर में आ, लगाई गई थी कुफार की तरफ से क्या वही पाबंदियां आज जमत अहमदिया और उस जमात के ऊपर नहीं लगी जो इमाम वाली जमात है जजाक आसन जजाकल्ला ज़ा। जजाकल्ला हाँ बहुत अच्छा आपने कहा है कि ये तो वही बात है कि जो रेफरेंसेस ये देते हैं मगर आ, जो हवाले दे रहे हैं मगर उसकी सोर्स जो है वो छुपा रहे हैं हवाला देकर सोर्स छुपा रहे हैं और अगर ये इन ऐसे करना है ये तो आ, ये तो फिर इनो you know, किस्म की चोरी है और आ, ये इसका वो देंगे जवाब अल्लाह ताला को अच्छा मीर साहब ये खलीफा अब इस्लाम का जो मसला चल रहा था कि ये लोग कोशिश कर रहे थे कि वो रिमूव किया जाए गूगल से मगर इनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा वो मिला है बहुत ज्यादा लोगों को ये पैगाम पहुंचा है मेरे ख्याल में आपका क्या ख्याल है इसमें जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हजरत मसीह महदलाम तो ने एक जगह लिखा है कि मैं मुखालफी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी मुखालफत में मेरा पैगाम उस उस जगह तक पहुँचाया है जहां मैं खुद नहीं पहुँच सकता था तो यही काम ये करते हैं असल में इनको पता नहीं कि ये वक़ार ज़क़ा जो है इसका भी निज़ाम जमात से ना फरमाने की वजह से जमात से अखराज हुआ हुआ है तो वो पता नहीं किस मकसद के लिए कोई ऐसा काम करता है क्योंकि वो काफ़ी अः मतलब बदकार किस्म का बंदा है ये कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसे कोई इख्तलाफ करेगा हर एक को पता है कि वो किस कदर गंदी गलीस घटिया अखलाक से गिरी हुई वीडियोज बनाता है ये आम गैर हहमदियों के भी पता है उसको भी लेकिन मुजाहिद ही समझते हैं बहरहाल बाकी भी तकरीबन मिलते जुलते ही हैं ऐसे ही हैं तो उसने ये शोशा उठाया था खलीफा ऑफ इस्लाम वाला और उसको ये सौ फीसद पता था कि ये बंदर के हाथ में माचिस देनी है मैंने तो वही काम हुआ है उसने सारे जंगल को आग लगा दी कि वो इन्होंने पकड़ के उसको वो रेटिंग दी वो रेटिंग दी कि इनके खाब में भी नहीं आया कभी कि उसका क्या फायदा होगा तो ये इस ये उस तरह का मुर्शद है इनका उस तरह के ये मानने वाले हैं तो उससे फायदा तो बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन ये एक्सपोज भी हुए हैं इसके अलावा भी इनके अंदर जो एक डर बैठा हुआ है ना जमात अहमदिया का जिससे मैंने कहा ना कि अंधेरा रोशनी से हमेशा डरता रहा है इस तरह इनके अंदर वो डर बैठा हुआ है कि दुनिया के अंदर जब कोई सर्च करता है तो इस्लाम की हकीकी तलीम ना कहीं दुनिया तक पहुंच जाए और ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुलाजम है वो गूगल ये एक तरफ कहते हैं कि यहूदी जो है यहूदो नसारा हमारे दुश्मन है तो गूगल इनको नहीं पता कि गूगल भी यहूदियों का है तो ये उसके जूते पकड़ रहे हैं उसके तरले कर रहे हैं कि इसको यहां से खत्म कर दो अच्छा खत्म करके वहां लगाना क्या है वो तो पहले सोचो कि वहां ये सर्च करवा रहे थे करंट खलीफा ऑफ इस्लाम ठीक है जी तो इन्होंने खात्मस रिजवी का नाम लिखवाना था वहां या पीर अफजल कादरी का नाम लिखवाना था पहले ये तो फैसला कर करंट खलीफा विश्राम आपका है कौन बल्कि एक वीडियो खुद बरेलवी मौलवी ने बनाई उसके बाद तो ने लेकिन वो मैं देख के हैरान रह गया तो वो, कह... वो... वो इनको कह रहा था कि तुम बेवकूफ वो बंदा है वो बरेलवी मुफ्ती है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को वो एक्सपोज करता है या उसकी जो गलतियां पकड़ता है जवाब देता है जो भी वो करता है उसकी मैंने वीडियो देखी कि वो कह रहा था कि तुम पागल हो उसको वह कहता है क्यों मुखालफत कर रहे हो अगर वो है भी तो ये ज्यादा फिक्र वाली बात है कि उनके पास खलीफा है या ये वाली ज्यादा फिक्र की बात है कि ये वहाबी और देवबंदी और शिया हमारे खिलाफ क्या प्रॉपरकंडा कर रहे हैं बरेलवियों के खिलाफ वो कहता है जो असल मसले हैं उनको बरेलवी छोड़कर तो जो मसले हैं ही नहीं उनके पीछे पड़े हुए हैं तो इस तरह के भी व्यूज थे तो हर तरह के वहां सोचने वाले थे लेकिन अक्सरियत आपको पता है कि वो जाहिल ही है तो उसकी जो व्यूज रैंकिंग की वो रिपोर्ट थी ना कि कैसे रैंकिंग उसके ऊपर गई है इस लफज की और इस पेज की वो फिर मैंने उन लोगों को भेजी जिन्होंने वीडियो बनाई थी मैंने कहा यार ये हर चौथे दिन एक वीडियो बनाया करो इस तरह की बड़ी मेहरबानी ये मुफ्त रि मुबशर हुसैन बरेलवी जो है उसको भी मैंने भेजा वो ना जो ग्राफ आता है ना उसका कैसे वो चार सात आठ लाख उसके हुए हैं थोड़ी देर के अंदर व्यूज तो मैंने उसे कहा भाई तुम बनाया करो वीडियो इस तरह की ठीक है तो अब यह है अर्ज के वो खलीफा ऑफ इस्लाम जो खलीफा है ये तो खिलाफत अल्लाह की नियमत होती है और कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह सिर्फ नोमो को देता है तो देख लें खिलाफत यह कायम कर ही नहीं सकते अच्छा ये एक तो बात यह है ना कि जी देवबंदी वहाबी शिया और बरेलवी मिलकर एक खलीफा नहीं बना सकते ये खाली बरेलवी भी, भी एक खलीफा नहीं बना सकते जय चैलेंज है इनको इसकी मिसाल खादम से रिजवी और इनका वो लाहौर का वो मौलवी है जिसको इन्होंने हजरत फातमा की गुस्ताखी में इतनी देर जेल में रखा है शियों तो के कहने पर अच्छा अशरफ से दो उम्मीदवार बन गए थे तो ये तो एक बरेलियत के अंदर ये दो नहीं ये सैकड़ों के हिसाब से पार्टियां हैं इनकी तो ये क्या खिलीफा बेचारे बनाएंगे इनको क्या पता वो के अदरक का क्या स्वाद है वो इनको क्या बेचारों को पता खिलाफत क्या है ये उन लोगों की नस्ल में से है जिन्होंने जो खाद रिजवी का बेटा जो बना है तो अफसल कादरी साहब का भी तो बयान तो आया था कि मुझे पकड़ के पीछे कर दिया जो सीनियर बंदा था और उसको आगे कर दिया वो तो वहां भी इख्तलाफ पड़ गया एक मेंबर जो आ, उसका बेटा था उसको खड़ा करने की वजह से जय जी वो तो इख्तलाफ दर इख्त है ना इनके इख्ताफात की कहानी सुनाए तो दो घंटे और लग जाएंगे मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देकर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं कि इस ये उन लोगों की नस्ल में से है जिन्होंने इस्लाम की इब्तदा के अंदर जो खुलाफा थे उनको शहीद इसी बहाने किया जिस तरह ये खिलाफत पर एतराज करते हैं ना जी आपका खलीफा तो ये नहीं कर सकता आपका खलीफा तो ऐसे है आपका खलीफा तो वैसे है तो ये उन लोगों की औलाद है जिस तरह ये साथ वो भी मैं बात क्लियर कर दूं कि ये जो जमात छोड़ के जाते हैं या जिनका अखराज हो जाता है वो जब खिलाफत पर एतराज करते हैं तो अगर गौर किया जाए तो सौ फीसद ये उन लोगों की नस्ल में से साबित होते हैं जिन्होंने हजरत उमर जिला तला को शहीद इसलिए कर दिया कि उन्होंने एक सरदार को या एक अमीर बंदे को इस्लाम के मुताबिक सजा क्यों दी उसने अपने गुलाम को कहा कि जाके हजरत उमर खलीफतुल खलीफातुलमुसलम को शहीद कर दो क्योंकि इसने मुझे सजा दी है और उसने शहीद कर दिया हजरत उस्मान रज को शहीद क्यों कर दिया कि उन पर इल्जाम लगाया गया कि तुम अपने रिश्तेदारों को नवाजते हो और तुम बड़े नरम हो तुम तुमसे हकूमत नहीं होनी तो सारों ने मिलकर उनको शहीद कर दिया तो उनसे कहते थे ये खिलाफत छोड़ दो उन्होंने कहा ये खुदा तला खलीफा बनाता है और खुदा ही इस खिलाफत को मुझसे छीन सकता है फिजरत अली करमला वजह को भी इन्हीं इन्हीं के काबर ने शहीद कर दिया उनको क्या कहा कि तुमने दुनिया में फसाद पैदा किया हुआ है तो यही वो लोग हैं उन्हीं की नस्लें हैं ये लोग कि जो रूहानी नस्लें हैं अगर जिसमानी नहीं भी तो मेरा मकसद है कि इनकी सोच इनकी बातें बिल्कुल उन लोगों से मिलती हैं जिन्होंने इब्तदाई इस्लाम में खिलाफत को शहीद किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने खिलाफत की ये पाक और नेमत इनसे छीन ली थी लेकिन हम तो यही कहते हैं कहते रहेंगे और इनको भी यही सिखाएंगे कि हमारा खिलाफत पे ईमान है ये मिल्लत की तंजीम की जान है जब तक इनके पास खिलाफत नहीं है खलीफा नहीं है ये खिलाफत की बैत नहीं करते जमात अहम और हकीकी इस्लाम और हजरत मसीह सलाम की हकीीकी तलीम जो इस्लाम की हकीकी तलीम को उन्होंने पेश किया उसको कबूल नहीं करते इनके लिए कहीं भी ना सुकून है ना तरक्की है तो ये आखिरी मेरा पैगाम था अभी आप इसको जैसे भी चाहें क्लोज कर सकते हैं जी मैं ये फाइनल एक बात करना चाह रहा था कि जो हमारी तबलीग है जो, जो हम जो जो हम दावत देते हैं जिस तरीके से भी लोगों को मिलती है हम, हमारी कोशिश तो यही है कि जो नेक वाले हैं, वो हमारे सिलसिले में दाखिल तो तो, भी है इसके मुतल आपको याद है मुझे मुझे जेन में नहीं आ रहा वो जिसके मुबारा हर, हर तरफ आवाज देना है हमारा काम आज जिसकी फितरत नेक होगी आएगा अनजाम कार जजाकल्ला जजाकुल्लह सब सा, के लिए जिनने ज्वाइन किया है और जो नाजरीन है जिनने हमारा प्रोग्राम सुना है इनशाला हम कोशिश करेंगे हम दोबारा भी कर सकें इस जैसा प्रोग्राम अभी के लिए जजाकुल्ल अ वर हम वबरकू अल्लाह मसल्ला महमदिन वबारक वसम